हाँ जी बच्चों, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनकम। तो कैसी है जनता भाई? स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते, नमस्कार, सलाम, मेरा बहुत सारा प्यार। और आज फिर विनय कुमार शूर ये हाजिर है आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग सेशन को लेकर, जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, फटाफट जरा चैट बॉक्स में बेटा एक बार आजादी के नारे लगा दीजिए। चैट बॉक्स में एक बार अपनी अटेंडेंस भी लगा दो, और विनय सर को प्यारे प्यारे टमाटर गुल्लू मुल्लू जोन से हैं हमारे, एकदम से जय माता दी, चक दे फटे, यस सर, बल्ले बल्ले, है ना, चक दो फटे। तो कौन कौन आ चुका है, पहले मैं आपकी अटेंडेंस देख लेता हूँ, किस किस ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। हाय आर्यन, हाय आदित्य, हाय कमल, हाय नीति, प्रशांत, दीक्षा, अनिल, हार्दिक, पीयूष, क्या बात है, क्या बात है। चैट में तो बेटा आपने आग लगा दी है। ओए होए होए होए, मैं देख रहा हूँ पुटर, ओए होए होए हो, अब तो चैट इस स्टेट पे चली गई है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। जिस तरह से आपकी चैट और आग आपने लगा रखी है, बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग सेशन में। तो बच्चों, सबसे पहले तो बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यार मैं बहुत खुश हूं जिस तरह से आप लोगों ने पहली वीडियो के बाद मुझे रिस्पॉन्स दिया है। मतलब मैं देख रहा था कि चैट बॉक्स में हर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अलग तरह से आपने उन क्वेश्चंस को ट्रेस भी किया है, कईयों ने ट्राई भी किया है, मुझे कुछ बच्चों ने अपने ईमेल्स भी भेजे, और काफी बच्चे तो कई सॉल्यूशंस के पास बहुत चले गए। तो बच्चों मतलब ये जो किया है ना तुम लोगों ने, बस ये ना मेंटेन करके रखना, कुछ नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, मेरा जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है उसका निष्कर्ष बेटा यही निकला है कि बच्चे पेरेंट्स आते हैं कि सर क्या चाहिए जिससे बच्चा आईआईटी चला जाए या एम्स चला जाए। तो मैं एक ही बात बोलता था यार, बस ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, सादगीपन चाहिए, भोलापन चाहिए। तो बच्चों, बच्चे ना बच्चे जैसे अच्छे लगते हैं, तो जिस तरह से आप सादगी रखते हैं, अपना भोलापन रखते हैं, अपनी ऑनेस्टी रखते हैं, बच्चों इसको मेंटेन करके रखिएगा, बिकॉज यही एक चीज है, ये जो ईमानदारी का रिश्ता है ना, यही है बेटा जो आपको आगे लेके जाएगा जीवन में। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चक दे फटे, जय माता दी, बर्गर पैटी समोसे सब आ गया विनय सर के लिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तुम अभी भूख लगवा दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे यार, है ना। कोई बात नहीं, संभाल के रखो, स्नैक टाइम लेंगे बीच में। ठीक है, तो बच्चों पापा मम्मी को बोल दीजिए, अब चाहे मासी आ जाए, चाहे कोई आ जाए रिश्तेदार, किसी ने अब कुछ नहीं करना, अब चुपचाप बैठ जाना है 2 घंटे, किसी ने नहीं हिलना। आज का सेशन बिल्कुल जानदार सेशन है, और ये फिजिक्स की जान है। अगर ह्यूमन बॉडी में जो मेन पुर्जा है वो दिल है, ऐसे ही फिजिक्स को अगर एक ह्यूमन बॉडी बोला जाए तो जो उसकी सोल है वो उसके वेक्टर्स हैं। तो बच्चों इसको आपने बिल्कुल ये सोचना है कि आपका फिजिक्स की आत्मा से आज मिलन होने वाला है, तो उस फीलिंग के साथ आपने सेशन को एंजॉय करना है। ठीक है जी, चलो 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 चलो। हाँ जी, और डीपीपी, यस, मैं सब कुछ 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 डाउट्स आपके जो है, मैं कुछ कुछ डाउट्स को एड्रेस कर देता हूँ। बच्चों डीपीपी आपकी जो थी, डीपीपी के डाउट्स, डोंट वरी, वी विल डिस्कस, वी विल हैव अ सेपरेट सेशन। और डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके अड़ गए थे कल, मुझे जहां तक लगता है वो वाला पार्ट आज हम कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन को देखने के बाद आप वो डीपीपी लगाना, आपके आराम से वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो आज वाले सेशन में कवर होगा। तो आखिरी के जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके वहां से आराम से निकल जाएंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा वो डीपीपी अपडेट भी हो गई है, तो जिन बच्चों ने पुरानी डाउनलोड की है वो वाले क्वेश्चंस आज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने नई डीपीपी देख लेना, वहां पे अपडेट करवाई गई है, तो आप वो डाउनलोड करेंगे तो वो तो आराम से आप कर लीजिए। ठीक है जी, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं सेशन को, यलगार कर दिया जाए। इससे पहले विनय सर आगे बढ़े, तो हो सकता है बहुत सारे नन्हे मुन्ने टमाटर प्यारे प्यारे बच्चे विनय सर को पहली बार देख रहे हो। तो बच्चों लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विनय कुमार शूर, मैं हूं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर, और अरविंद सर जैसे आपके बड़े भाई, हम आपके प्यारे से छोटे मोटे गोलू मोलू भाई। मैं पिछले 8 वर्षों से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और यार ये प्रयास इसीलिए मैं बोलता हूं क्योंकि बच्चे मुझे कुछ बेहतर कर जाते हैं और मैं उन्हें बेहतर करने की कोशिश करता रहता हूं, और जब तक ये सांस बाकी है बेटा ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बहुत कुछ कर पाए, भगवान की कृपा रही, मैं तो ये कहूंगा। बहुत बच्चे आपके फिजिक्स ओलंपियाड भी निकले, देयर आर 10+ फिजिक्स ओलंपियाड सिलेक्शंस, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें आप 4 और जोड़ लीजिए, बिकॉज इस साल वेदांतु से 4 बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड में स्टेज 2 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो बात वही है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो मैंने आते ही बोला बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, वो होता है ट्रस्ट का। तो जो वो निभा देता है ना, ऑनेस्टी और ट्रस्ट का, रिजल्ट बेटा अपने आप निकलते हैं। एम्स रैंक 1 भी आ गया, जेई के रैंक्स भी निकले हैं, बट अब ये सब पुराना है, और अब नए दौर पे हमें नई कहानी लिखनी है, और नई कहानी ये है कि इस देश के सबसे बड़े मंच पे बेटा हमने
इंडिया के बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। कौन कौन बच्चा साथ है जरा चैट पे एकदम फटाफट लिख दे। हाँ जी, किस किस को बढ़िया रिजल्ट लेके आने हैं? यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवानी, है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन होगा, मैं सब बता रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे वाला क्वेश्चन होगा, बिल्कुल होगा, चिंता ना करो। मुझे पता है कि तुम्हें कहां दिक्कत आई है, और जब हम डीपीपी डिस्कशन करेंगे तो वो सवाल जरूर डिस्कस होगा, और कुछ बच्चों ने कर ही लिया है, ठीक है। इससे पहले मैं आज का सेशन बच्चों शुरू करूं, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया चीज जो आप लोगों से मैं अभी शेयर करना चाहूंगा, दैट वेदांतु हैज प्रोड्यूस्ड बच्चों अमेजिंग रिजल्ट्स इन केवीपीवाई। इंडिया के सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आपके सामने हैं, 54 सिलेक्शंस बच्चों, और ये सारे ऑथेंटिक जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। ये वो रिजल्ट्स हैं जो बच्चे पूरा फुल टाइम हमारे पास पढ़े, ठीक है। और आप देख लेना बेटा, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स उठा के, इतने रिजल्ट्स आपको किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेंगे, लेकिन वेदांतु ने ये करके दिखाया है। जो मैं आपको बता रहा था, फिजिक्स ओलंपियाड, ये जो हमारा बच्चा है अवेक जैन, नो डाउट इसने केवीपीवाई भी निकाला है, बट बच्चों ही इज आल्सो अ फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफायर एंड ही विल रिप्रेजेंट इन द स्टेज 2 आल्सो। शिवेंदु हमारा, पुष्पराज बच्चा जो है हमारा, दिस इज अ वेरी प्यारा बच्चा ऑफ मेडिकल, और मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर सब सही रहा तो भगवान की कृपा रही तो हम इस कंट्री के सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स इस साल मेडिकल और नॉन मेडिकल में देने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स प्रे दैट वी डिड इट, ठीक है जी। जय माता दी। नाउ बच्चों, बिफोर वी मूव अहेड आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। तो आज का सेशन बेटा मैं इस नोट से थोड़ा शुरू करना चाहूंगा। आप सबने अगर देखा हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कल की मेरी वीडियो का एक कमेंट था जो निखिल सिंह जी ने डाला था, ठीक है ना। मैं बड़ा खुश हुआ इस बच्चे को देख के, इसने कुछ कुछ आंसर दिए और यहां पे एक छोटी सी इसके आंसर में गलती थी, ठीक है ना। और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा बच्चों इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, वो ये लगा कि आप सबने इसके ऊपर 19 रिप्लाइज किए, और अगर कोई भी इस कॉन्वर्सेशन को देखे, इतना हेल्दी कॉन्वर्सेशन कंडक्ट हुआ था, ये इतना हेल्दी कॉन्वर्सेशन कि इसके अंदर तो बेटा बच्चों को स्वाद ही आ गए। मतलब आपने उसकी जो गलती थी कॉन्वर्सेशन कर करके उसको पूरा सही आंसर एंड में बताया। तो बच्चों ये चाहिए, दिस इज व्हाट विच इज नीडेड इन दिस कोविड टाइम। आपके पास बेटा माध्यम बदले हैं, लेकिन अभी भी आप अपनी एजुकेशन को, डिस्कशन को, जो क्लास में डिस्कशन करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे, आई वॉज रियली इंप्रेस्ड। ये 19 रिप्लाईज एक ही सिंगल कॉमेंट पे, आपस में बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं बच्चों, लव यू। और मैंने यही इस कॉमेंट का रिप्लाई किया था, लव यू बच्चों, कीप इट अप, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, और इस चीज को मेंटेन करिएगा, कंटिन्यू करिएगा, डन डन डना डन, ठीक है जी। तो बच्चों ये बेटा चैट में एक बार जरा आग लगा दो, ठीक है। यस सर, है ना, टमाटर आ गए जी, टमाटर आ गए। हाँ, तो लव यू गाइस, लव यू, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच यू ऑल हैव डन, बहुत अच्छा किया है, और इसको आप करिएगा कंटिन्यू, ठीक है ना। ऐसे ही चलना है, बहुत बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी, डन 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 डन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बिफोर बेटा हम सेशन कंडक्ट करें, देखो तुम्हारे से पहले ना मुझे बहुत जल्दी रहती है, ठीक है ना, सेशन शुरू करने की, बस फटाफट शुरू करने वाले हैं। ये एक छोटा सा तुम्हें मैं एक थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है, वॉट इज दिस क्लिप, जल्दी बता दो, क्या लग रहा है इस क्लिप को देख के, क्या फील आ रही है? बस शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट में कर रहे हैं शुरू। हाँ, ये क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बच्चे कह रहे हैं रीकैप। हाँ, एक तो रीकैप, रीकैप बेटा आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, रीकैप हो जाएगा। आपके पास यूट्यूब पे जो बोल दिया वो अमर है, आप जितनी बार मर्जी देखिए उसको। हाँ, ये क्या है बच्चों, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों से क्या दिख रहा है। फादर अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है जी। तो आप सब देख पा रहे हैं कि पापा अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इस बात को। पर बच्चों अब मैं आपको बता देता हूं, अब आप साइकिल तो चलाएंगे और साइकिल आपने चलानी सीख ली है, अब जो जमाना है आपका, अब जो आपका कॉम्पिटिशन है वो एरोप्लेन का है, समझ रहे हो। अब माहौल बदल गया है, अब माहौल साइकिल का नहीं रहा, अब माहौल आपका एरोप्लेन का हो चुका है बच्चों। तो जब जब आपको दिक्कत आए, जब जब आपको लगे कि भैया हम यहां पे थोड़ा सा फंस रहे हैं, हमसे ये वाला सवाल नहीं हुआ, तो बच्चों याद रख लेना इस बात को, अब जमाना एरोप्लेन का है। और एरोप्लेन बेटा इतनी आसानी से नहीं उड़ते। देखो मैं चाहूं तो तुम्हें आराम से, मैं ये बात बता रहा हूं, आप चाहो तो आराम से ये चलाओ, लेकिन बेटा चलाने का फायदा क्या, जब फाइनल पेपर में आपको, जिस दिन आप अपना एडवांस का पेपर दोगे ना बच्चों, उस दिन आपको ये करना पड़ेगा, और ये तब कर पाओगे जब डे 1 से एरोप्लेन की ट्रेनिंग लोगे।
तो बच्चों हमने जहाज उड़ाना है, जहाज। और जहाज बेटा ऐसे नहीं उड़ते, ये तब उड़ेंगे जब हम डे वन से तैयारी करेंगे अपने जहाज उड़ाने की, ठीक है। और मेरे टमाटर जहाज उड़ाएंगे भी और जहाज बढ़िया तरीके से लैंड भी कराएंगे, ठीक है जी। यस सर। तो ये याद रखना बच्चों, जब जब सवालों में अड़ो, जब जब तुम्हें दिक्कत आए, तो याद रखना कि अब हमने एरोप्लेन उड़ाना है। और एरोप्लेन उड़ाने की थोड़ी सी फिलॉसफी और टेक्निक तो अलग होती ही होती है। डन जी सर जी, ठीक है जी। चलो डन। चलो भैया शुरू करते हैं। ओके चकदे फटे जी, चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स का लेक्चर 2, ठीक है। और आज बात होगी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। और मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि वेक्टर्स एडिशन सीखने से पहले ही हमने उनका एडिशन कर लिया है, ठीक है ना। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट मेथड देखा था, ऑलरेडी हम उस मेथड में काफी ज्यादा आगे जाके आपको काफी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बट ऑफिशियली आज कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो हम आपके एडिशन के आपको सिखाने वाले हैं। तो बच्चों आज की जो जर्नी रहेगी वो ये रहेगी, सबसे पहले हम करेंगे वेक्टर एडिशन, देन वी विल डू द ट्रायंगल लॉ, देन पैरेललोग्राम लॉ, देन पॉलीगन लॉ, ये सब आपको बताने वाले हैं आज के सेशन में। देन वी हैव एनालिटिकल मेथड एंड देन वी हैव द एडिशन इन टर्म्स ऑफ The unit vectors, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, before we start, मेरा आप लोगों से एक question है, ठीक है? सब बच्चों से एक प्यारा सा question है। Question ये है, can we add these vectors directly? ठीक है ना? दो vectors आपके सामने हैं, 8 और 6, ठीक है ना? एक vector 8 है east की तरफ, एक vector 6 है, ठीक है ना? और क्या हम इन्हें direct add कर दें कि net vector 14 होगा? जल्दी chat पर लिख के जवाब दीजिए मुझे। Before we start the addition, I want an answer. हाँ जी, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्यारे प्यारे टमाटरों ने जवाब दिया, नहीं कर सकते सर। आंसर 14 नहीं है। तो भाई क्यों? क्योंकि अगर 8+6 करूं वो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हो, तो स्केलर एडिशन जरूर 14 है बट मैग्नीट्यूड वेक्टर एडिशन हमारी 14 नहीं है। तो क्या है आज यही लॉ सीखने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, लॉ शुरू करने से पहले ही आपको बता देते हैं कि हम करने के वाले हैं। बच्चों अगर ये 8 है, अगर ये 8 है, तो कैन आई राइट दिस एज 8i कैप? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये 8 है तो ये वेक्टर कौन सा है? 8i कैप। ये लास्ट लेक्चर में सीखा सर। अगर ये बच्चों 6 है तो कैन आई राइट इट एज 6j कैप? Can I write it as 6j cap? Yes sir. तो बच्चों जो हमारा नेट वेक्टर बना वो क्या बना? 8i कैप + 6j कैप। 8i कैप + 6j कैप। और बच्चों वो ये वाला वेक्टर है, वो ये वाला वेक्टर है जिसको मैं कहूंगा ए वेक्टर, जिसमें 8i कैप और 6j कैप हमने ऐड किया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, ठीक है। और अब आप जानते भी हो कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल दें तो कॉफिशियंट ऑफ i² + कॉफिशियंट ऑफ j² दैट इज 10। सो जो मैग्नीट्यूड निकलेगा दैट इज 10 मीटर। अब ये जो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है इसका नाम है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो बच्चों यहां पे इस दुनिया के अंदर हम अब एंटर करने वाले हैं, तो बी रेडी। तो बच्चों याद रखना एडिशन ऑफ वेक्टर्स टोटल 3 तरह से डिवाइड होगी, ठीक है ना। सुनते जाओ, धीरे धीरे सब जुड़ जाएगा, अभी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। 3 तरह से हमारा वेक्टर ऐड होगा। सबसे पहला मेथड जो रहता है आपका दैट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड इज योर एनालिटिकल मेथड, एंड थर्ड मेथड इज योर एडिशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स i कैप j कैप k कैप। ग्राफिकल मेथड खुद 3 तरह का रहेगा बच्चों, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। लेकिन ये सारे मेथड्स ऑफिशियल हैं, एक अनऑफिशियल मेथड भी हमने कर लिया विच इज द मोस्ट पावरफुल मेथड, दैट इज अ कंपोनेंट मेथड। कल हमने एक मोस्ट पावरफुल मेथड भी बच्चों डिस्कस कर लिया, दैट इज अ कंपोनेंट मेथड। बच्चों समझ में आ रहा है अपने को? तो शुरू करने से पहले एक ऐसा मेथड हो चुका है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, इस बात के लिए चक दे फटे चैट में लिख दें, इस बात के लिए चक दे फटे। अभी शुरू भी नहीं किया, पहले ही हमने बहुत कुछ निपटा लिया, ठीक है जी। अच्छा अब इस बात को और सुनना, ये जो ग्राफिकल एडिशन होती है बच्चों, इसके अंदर हम सिर्फ बेटा फोटो देखते हैं कि फाइनल वेक्टर दिखता कैसे है।
मैग्नीट्यूड कितना, लेंथ कितनी, इसके बारे में बात नहीं होगी। ग्राफिकल का मतलब सिर्फ फोटो देखने में कैसा है, विनेसर देखने में कैसे लग रहे हैं। एनालिटिकल मेथड में हम एग्जैक्ट मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, इतनी लेंथ होगी, इतना एंगल होगा, इतनी डायरेक्शन होगी। और आई कैप, जे कैप, के कैप में एडिशन हम आपको एंड में करनी सिखाएंगे। डन डन चक दे फटे। यस सर, यस सर। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉ आपके सामने आ रहा है, अब ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अब बच्चों एक काम करना, अब आप लोग एक काम करना, आप बिल्कुल आराम से कॉपी पेन जरा साइड पे रख के आराम से पहले सुनो, नोट्स आपको पूरे मिलेंगे। अभी हम आराम से थोड़े से कुछ 15-20 मिनट चीजों को सीखेंगे, फिर उसके बाद बेटा आपको नजारे दिला देंगे। ठीक है जी, हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है ना, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। सुनना ध्यान से, एक वेक्टर को बेटा हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर इज अलाउड। इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो और उसे आगे रख दो। डन है सर। बी वेक्टर को भी पैरेलली शिफ्ट करो और ऐसे पैरेलली शिफ्ट करो, ऐसे पैरेलली शिफ्ट करो कि बी की टेल ए के हेड पे आ जाए। डन है सर। आपको बच्चों अगर याद हो, मैंने कल के लेक्चर में आपको यह बात सिखाई थी, अगर मेरे पास कोई एक ए वेक्टर है तो आप अगर इस वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करते हो तो ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होता है, आप इसे खिसका के पीछे ले आओ और आप इसे खिसका के यहां ले आओ, तो पैरेलल शिफ्टिंग में ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करना है और इनका एडिशन के बाद, देखो गधे में गधे जुड़ेंगे तो गधा मिलेगा, घोड़े में घोड़े जुड़ेंगे तो घोड़ा मिलेगा, वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा तो वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर को यहां रखा, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, यहां रखा, और बच्चों अगर ऐसा कर दिया जाए तो जो हमारा रिजल्टेंट हमें मिलता है वो मिलता है ए की टेल से बी के हेड को जोड़ के। तो जो आर वेक्टर होगा That is equal to A vector plus B vector. ठीक है ना, अभी सुनना आराम से, दो मिनट लगेंगे, अब मैं कुछ बोलने वाला हूं। When two vectors are represented by two sides of a triangle such that the tail of B vector is placed on head of A vector, B की tail A के head पे हमने लगानी है, then the resultant is represented by the third side of triangle. Resultant जो होगा वो third side of triangle होगा by joining the tail of A vector to the head of B vector. B के head पे join करके। बच्चों समझ में आ रहा है? Chat पे लिख दे चक दे फटे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है? Yes sir, yes sir. Done, 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 done. जल्दी बताओ, done, done, done. ठीक है ना? आ रहा है ना समझ में? करेक्ट सर, करेक्ट। चक दे पट्टे, चक दे पट्टे। ठीक है ना, तो सिंपल है, मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। एक वेक्टर ए वेक्टर है, बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि बी की पूंछ ए के सर पे रख दो, तो जो तुम्हें रिजल्टेंट मिलेगा मेरे भाई, जो तुम्हें रिजल्टेंट मिलेगा, दैट इज माई आर वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखने में क्या लग रहा है? ट्राइंगल। इसीलिए नाम क्या है? ट्राइंगल लॉ। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल सच दैट द टेल ऑफ बी वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन हेड ऑफ ए वेक्टर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द टेल ऑफ ए वेक्टर टू द हेड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट बना मेरा वो बना। यस सर, यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया, जल्दी बताओ मजा आ गया, जय माता दी, है ना, आ गया ना मजा, चमका कि नहीं चमका? यस सर, यस सर, करेक्ट बात, करेक्ट बात, करेक्ट बात। ठीक है ना, हाँ करेक्ट बात, आ गया ना। ठीक है जी, चलो अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, चक दे पटे। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, कि कोई ये पूछ रहा है कि सर अगर हेड को हेड से जोड़ दें, ऐसा नहीं करना, लॉ तभी वैलिड है जो तुम्हें बताया जा रहा है, तुम उसको फॉलो करो। ठीक है ना, हाँ, तो जो लॉ है लॉ के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है जी, अच्छा मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना। When two vectors are represented by two sides of a triangle in same order such that the tail of second vector is placed on the head of first vector, then the resultant is represented by the third side of triangle in opposite order from the tail of first vector to the head of last vector. तो ये देखो वही बात हुई है कि इनको जब हम ऐसे रखेंगे तो पहले की जो टेल है, इसकी जो टेल है, इसको पहले के हेड पे डाल देंगे, इसकी जो टेल है
इसको इसके हेड पे डाल देंगे, ठीक है ना। दिस इज टेल हेड, दिस इज ऑल्सो टेल हेड, तो जो पहले की टेल से दूसरे के हेड पे हमें वेक्टर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। बट बच्चों एक बात यहां पे याद रखना, पहले का यहां पे टेल आया और रिजल्टेंट का यहां पे हेड आया, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा सा सीन अलग हो रहा है, मैं जो आपको समझाने वाला हूं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, करेक्ट बात है सर। आपने सर रिजल्टेंट बना दिया आर वेक्टर, करेक्ट बात है सर। पहले की टेल से दूसरे के हेड पे, करेक्ट बात है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहां पे क्या था, टेल, ये क्या था सर, ए का हेड। सर यही पॉइंट क्या है, सर ये बी की टेल है। सर ये ए, ये जो बी है ये क्या है सर, सर ये हेड है किसका, बी का। लेकिन अगर मैं आर वेक्टर को ऑब्जर्व करूं तो आर वेक्टर का टेल है और आर वेक्टर का ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा हेड है। तो मेरी बात को बेटा जरा ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, बड़ी काम की बात है। अगर मैं यहां से यहां फ्लो करूं, सोचो एक नदी की तरह हम बहकर जाएं, तो टेल मिली हेड मिली, टेल मिली हेड मिली, तो ये जो है ये सेम ऑर्डर में है, ध्यान से सुनो, है ना, ऑर्डर सेम है। पहले टेल आएगी फिर हेड आएगी, फिर टेल आएगी फिर हेड आएगी। लेकिन जब मैं यहां पे आगे चला तो अगला जो रिजल्टेंट है तो मुझे पहले उसका हेड मिला बाद में उसकी टेल मिली, तो आप समझ रहे हो यहां पे जो ऑर्डर है वो हमारा ऑपोजिट ऑर्डर है। तो ये भी बेटा हमें दिमाग, अपने दिमाग में अच्छी तरह रखनी है बना के, कि पहले हमें सेम ऑर्डर में चलना है और फिर फाइनली मुझे जो मिलना है वो ऑपोजिट ऑर्डर में मिलना है। डेफिनेशन इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए हमने थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगाया है। बेटा नजारे आगे नहीं आगे जल्दी बताओ। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्डर हमने सेम रखा, टेल हेड टेल हेड, समझ रहे हो, then the resultant is represented by the opposite side of triangle in opposite order, उसका जो order है वो हमने जो रखा वो opposite रखा। बच्चों समझ में आ रही है, चैट में जल्दी बताओ। यस सर चमका कि नहीं चमका, ठीक है, ओके, मजे आ गए, चलो क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। बीच में कुछ बच्चे कुछ को डाउट पूछ रहे हैं, बेटा 10 मिनट सुन लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी सुनने का समय है, सुन लो पहले, डन डन, क्या बात है, नजारे आ गए, नजारे आ गए, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा जरा एसी बेटा ठीक कर दूं यहाँ पे, हाँ एक सेकंड टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेते हैं हम। हाँ डन डन जी डन, जय माता दीदी जय माता दी, ठीक है जी। तो बच्चों अब एक और लॉ हमने पढ़ना है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। देखो ट्राइंगल लॉ क्या करेगा, आपको फाइनल वेक्टर का फोटो दिखाएगा, ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ है बच्चों आपको, जो आपको फाइनल वेक्टर का फोटो दिखाने वाले, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आपके पास ए वेक्टर है, है सर। अब बी वेक्टर को हमने इसके हेड पे नहीं रखना, ध्यान से सुनना, ए को पैरेलली शिफ्ट किया, कर लिया, बी को भी पैरेलली शिफ्ट करो, बी को भी पैरेलली शिफ्ट करो और पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे रख दो कि वो दोनों की टेल्स पे जुड़ जाए, दोनों की टेल्स पे जुड़ जाए। अब इन दोनों का बना लो बच्चों, इन दोनों का बना लीजिए अब एक पैरेललोग्राम, इन दोनों का बना लीजिए एक पैरेललोग्राम लो, और फाइनली आप ऑब्जर्व करेंगे कि जहां से टेल जुड़ी है वहीं से जो डायगोनल निकलेगी वो मेरा होगा रिजल्टेंट, वो मेरा होगा रिजल्टेंट। सो डेफिनेशन सुनो ध्यान से, बिल्कुल आराम से, एक एक पॉइंट की कीमत है। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल such that their tails are joined at a point, then the resultant is the diagonal of parallelogram from the same point. उसी पॉइंट से जो डायगनल निकलेगी वो मेरा रिजल्टेंट होगी, उसी पॉइंट से जो डायगनल निकलेगी। सो वेन टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड ऑफ ट्राइंगल सच दैट देर टेल्स आर ज्वाइंट एट अ पॉइंट देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई द डायगनल ऑफ पैरलोग्राम फ्रॉम द सेम पॉइंट। यस सर, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। यस सर, तीन वेक्टर्स भी करूंगा आयुष, तीन वेक्टर्स भी करेंगे, डोंट वरी, हाँ तीन वेक्टर्स भी करेंगे, तुम्हें तो तीन क्या, तुम्हें तो 10 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आता है निकालना कंपोनेंट मेथड से। यस सर आ गया, आ गया, अच्छा ठीक है। अगर बेटा मैं तुम्हारे सामने अगली स्लाइड पे लिख दूं ये, तो कितने बच्चे सहमत होंगे अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं ये, तो कितने बच्चे सहमत होंगे भाई, बच्चों सच सच बताना, अगर मैं ये लिख दूं टमाटरों, सच बताना कितने बच्चे सहमत होंगे इस बात से,
हाँ जी, कितने बच्चे सहमत होंगे? चोर है कौन? कौन चोर है भाई? पैरेललोग्राम। ये बच्चों ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं तुम्हें कह रहा हूं इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। इस पॉइंट से आपको लेना है डायगोनल। डायगोनल है सर हमारा रिजल्टेंट, जो कि है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे भाई, अगर ध्यान से देखा जाए ये बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें, ये बी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करें और यहां बना दें, तो ये क्या बन गया यार? ये तो B parallel shifting is allowed, तो ये मेरा क्या बन गया? इतने हिस्से को अगर तुम ऑब्जर्व करो, चैट पे लिख के बताओ मुझे, मैं सुनना चाहूंगा तुम सबसे। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बन गया? इतनी डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करो, जल्दी बताओ चैट पे लिख के। एब्सोल्युटली करेक्ट वरदा जोशी, बिल्कुल सही बात। अब तुम चमक रहे, अब तुम्हारा दिमाग लग रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ। तो मतलब भाई ट्राइंगल लॉ ही तो है, कुछ नया थोड़ी क्रिएट किया। अरे ये इसको पैरेलल किसका के यहां रख दो, वेक्टर का रिजल्टेंट तो वही रहेगा ना। मतलब ये दो वेक्टर कहीं भी दुनिया में हो, इनका जो नेट रिजल्टेंट बनेगा वो यही बनेगा। तो यहां रखो ऊपर रख दो, कोई फर्क तो वही बात है, बस किसी और शब्दों में उसने पकड़ ली। तो कौन है, याद रखना, पैरेललोग्राम लॉ कौन है? चोर है, ठीक है ना। सेम ही चीज उसने रिपीट की है, कुछ भी नया इसमें नहीं बताया। चक दे फटे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? यस सर, यस सर, ठीक है। आराम आराम से भी चल रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। सीखो, समझो, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, दिमाग में पढ़नी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जरा यहां से ए वेक्टर बी वेक्टर एनिमेशन को ऑब्जर्व करो, तो जो डायगोनल निकलेगी उसी पॉइंट से जहां से इनकी टेल से टेल जुड़ी है, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, तो आपकी जो डायगोनल निकलेगी उस पैरेललोग्राम की, वो मेरा होगा रिजल्टेंट। ठीक है जी, डन। तो इफ यू गाइस सी दिस पैरेललोग्राम लॉ, अगर आप इस लॉ को ऑब्जर्व करें, अगर दो वेक्टर हमारा दो साइड से रिप्रेजेंट किए जाए such that the tails are joined at the same point, तो दो वेक्टर्स ए को यहां शिफ्ट किया, बी को पैरेलली शिफ्ट किया और ऐसे किया कि इनकी टेल्स आपस में जुड़ जाए, then the resultant is represented by the diagonal of parallelogram, diagonal resultant होगा starting from the same point, ठीक है जी। सारे नोट्स आपको बेटा मिलते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया। देखो ट्राइंगल पे इन्वेस्टमेंट की, पैरेललोग्राम में एडवांटेज मिला, अब पॉलीगन में देखना क्या एडवांटेज मिलेगा। अब सुनो पहले आराम से, ये सारा सेटअप बच्चों सुनते जाओ आराम से, पिन ड्रॉप साइलेंस। ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, कर दिया सर, उठाया यहां रख दिया। बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, मैं अब करने क्या वाला हूं, मैं बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने वाला हूं, बहुत सारे वेक्टर्स एबीसीडी, चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है। और हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में क्या दिखती है, फोटो, क्या दिखती है, डायरेक्ट फोटो, ठीक है ना। तो बेटा बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, कर दो यार कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको पैरेलली खिसकाता हूं आगे, ये मेरा बन गया बी वेक्टर, ठीक है ना। पैरेलली शिफ्ट किया, उठा के रख दिया ऐसे कि बी की जो टेल है वो ए के हेड पे आए, बी की टेल ए के हेड पे। ऐसे ही बेटा सी को पैरेलली शिफ्ट करो, और ऐसे शिफ्ट करो कि जो सी की टेल है, द टेल ऑफ सी इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ बी। अगला डी पैरेलली शिफ्ट करो, इसको पैरेलली, ये सीधा तो मैं सीधा ही बना देता हूं, पैरेलली शिफ्ट करो और ऐसे शिफ्ट करो कि जो सी की टेल है, जो डी की टेल है वो सी के हेड पे आ जाए। प्लेस एवरी वेक्टर ऑन द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, बी का ए के हेड पे, सी का बी के हेड पे, डी का सी के हेड पे। और बच्चों जो रिजल्टेंट होगा, हमारा वो ए से दिस इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेट, मुझे थोड़ा सा लग रहा है स्ट्रेट नहीं है, मैं स्ट्रेट बनाता हूं भाई, क्यों वेक्टर को टेढ़ा करना है हमने, है ना। तो ए से, ए की टेल से डी के हेड पे आप उसको जोड़ दो, तो आपको जो मिलेगा दैट इज योर आर वेक्टर। सो गाइज व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर किसके बराबर होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो जो आर वेक्टर होगा वो होगा इन सब का रिजल्टेंट, ठीक है ना। अब बात को ध्यान से सुनो, ये बन गया एक पॉलीगन, इसीलिए नाम क्या है, पॉलीगन लॉ है। प्लेस डिफरेंट वेक्टर्स ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन सच दैट द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन हेड ऑफ प्रीवियस,
tail of next is placed on head of previous, tail of next is placed on head of previous, then the resultant is formed by joining the tail of first vector to the head of last vector. Chak de phate. लिख दो चक दे फटे, समझ में आ गया बेटा? लाइफ सेट हुई है नहीं हुई है? लाइफ सेट हुई है नहीं हुई है जल्दी बताया जाए मुझे, है ना? हाँ जी, बजलोनी सिंह कह रही है सर यू आर ऑसम. बेटा मुझे पता है आई एम ऑसम, अब तुम्हें ऑसम बनाने का जिम्मेदारी है, अब तुम्हें ऑसम बनना है. यस सर, यस सर. ये बेटा जोश नहीं दिख रहा आज मुझे. चक दे फटे, चक दे फटे. करेक्ट बात, करेक्ट बात, करेक्ट बात. ठीक है जी, ठीक है जी. और इसी के साथ एक चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट. और अगर मैं ये बात बोल दूं कि मेरा भाई ये चोर है तो अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिस इज ऑल्सो द सेम कॉपी ऑफ ट्राइंगल लॉ. कितने बच्चों को ये चमक रहा है पहले बताओ, कितने बच्चों को ये बात चमक रही है? ये भी चोर है. कैसे चोर है बताओ जरा, सोचो जरा. ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ये है बेटा हमारा बी. बी को उठा के ये ले लो, बी को उठा के ये ले लो, है ना? ये बी वेक्टर है. सुनते जाओ, सुनते जाओ, आराम से सुनते जाओ. ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ध्यान से सुनना जरा. ए और बी का रिजल्टेंट होगा ये वाला. तो ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? ये वाला रिजल्टेंट होगा हमारा, है ना? देखना जरा, एक तो हंसने वाली बात है ये तो हंसने वाली बात है. और सी, सी कहां पड़ा? सी को तुमने यहां रखा ना बी के ऊपर, तो ये सी हो गया. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये व्हाइट एरो और सी को जोड़ दूं, अगर ये मैं व्हाइट एरो और सी को जोड़ दूं, नजर आ रहा है तुम्हें? नजारे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? जल्दी बताओ. व्हाइट एरो और अगर सी को जोड़ दो तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर, फिर ट्राइंगल लॉ लगा लो, फिर ट्राइंगल लॉ लगा लो. ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये क्या बन गया? ये मैं यहां बना देता हूं. ये क्या बन गया बताओ? ये मेरा बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, समझ रहे हो? उसमें तुमने ऐड कर दिया कौन सा वेक्टर? सी वेक्टर तुमने ऐड कर दिया उसमें, समझ रहे हो? ये इस वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड कर दिया, तो जो रेड एरो, जो ग्रीन एरो होगा वो ये वाला एरो होगा. करेक्ट बात, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही. अच्छा, अब सी के आगे कौन है? सी के आगे कौन सा भाई टिकाया तुमने? सी के आगे तुमने टिका दिया डी को. सी के आगे तुमने टिका दिया किसको? डी वेक्टर को. डन है. तो मुझे अब एक बात बता दो यार, अब एक बात बता दो, अब तो ये लगार हो जाए. ये ग्रीन एरो और डी को अगर जोड़ दिया जाए, ये ग्रीन एरो और अगर डी को जोड़ दिया जाए, तो मेरे भाई ये बताओ ये कौन सा वेक्टर बन गया? ये वाला वेक्टर कौन सा बन गया, है ना? ये ग्रीन एरो, ग्रीन कौन है? ग्रीन कौन है? ग्रीन कौन है? ग्रीन है ए प्लस बी प्लस सी, ये ग्रीन है और इसमें तुमने डी और जोड़ दिया, दैट इज डी वेक्टर. तो मेरे ख्याल से प्रूव हो गया. तो जो फाइनल रिजल्टेंट मिला वो सबका सबका मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताओ यार, मजा आ रहा है, है ना? जो फाइनल रिजल्टेंट मिला तुम्हारा वो सबका नेट था, वो सबका नेट था. यस सर, यस सर, मजा आ गया. चक दे फटे बेटा, क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड, सुपर ऑसम, सुपर ऑसम. ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने पॉलीगन कर लिया, ट्राइंगल कर लिया, पैरेललोग्राम लॉ कर लिया. ठीक है, यू कैन सी. ठीक है, और हमने इसका प्रूफ भी कर लिया. ठीक है ना, हो गया हमारा. ठीक है, अब पॉलीगन लॉ का एक डेफिनेशन देख लो. डेफिनेशन क्या है? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय The sides of a polygon, जब बहुत सारे vectors polygon की sides पे represent किए जाए, such that the tail of next is placed on the head of previous, मतलब इसका tail इसके head पे, इसका tail इसके head पे, tail of next is placed on the head of previous, then the resultant is represented by the diagonal of parallelogram by joining the tail of first vector, by joining the tail of first vector to the head of last vector, है ना? पहले की tail से दूसरे के head पे, last पे join करके हमें मिलना है. ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ. तो तीनों लॉज हमने धुएं में उड़ा दिए, तीनों लॉज हमने धुएं में उड़ा दिया. डन 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 आडन. ठीक है, ठीक है. हाँ, क्वेश्चंस मोहू शुक्ला जी सब करवाएंगे, क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क दिए थे, जब डीपीपी डिस्कशन होगी तो उसमें मैं करवाऊंगा. डोंट वरी, वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस, चिंता मत करो. ठीक है ना, चलिए. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी. अच्छा जी, अब देखिए जरा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं. ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, अब पॉलीगन भी हो गया. ट्राइंगल का ही बच्चों एक और वर्जन है, दैट इज कॉल्ड एज द अनदर फॉर्म ऑफ ट्राइंगल. अब ध्यान से सुनना, अगर बेटा मेरे पास, अगर मेरे पास मान लो तीन वैक्टर्स हैं, ए वैक्टर, बी वैक्टर और एक मान लो ये वैक्टर है सी वैक्टर, है ना? तीन वैक्टर्स हैं. अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे a प्लस बी प्लस सी का नेट बताओ, है ना, तो नेट मुझे बताओ वो कौन सा होगा. नेट जो भी होगा वो r वेक्टर होगा. और अभी तुमने पैरेललोग्राम लॉ को सीखा कि वो r वेक्टर तुम्हें कैसे मिलता है. तुम पहले से
आखिरी के हेड तक जोड़ दो, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक जोड़ दो, तुम्हें वो नेट मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। यस सर ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बात को, लाइफ सेट हो जाएगी। ये अगर हेड बेटा उठा के मैं इसी की टेल पे जोड़ दूं, ये सोचो जरा, ये जो हेड है इसको पटक के अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं तो आर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सी घूम के वहीं पे आ जाए, सोचो बीच में रिजल्टेंट रहा ही नहीं, तो नेट क्या मिलेगा? अगर ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा दिस सिचुएशन, तो व्हाट यू विल राइट? ए प्लस बी प्लस सी। चैट में लिख के बताओ ये किसके बराबर है, जल्दी बताओ, तुम ही लोग बता दो, मेरा काम खत्म। तुम ही लोग बता दो क्या किसके बराबर है। एब्सोल्यूटली जोया, जल्दी जी, बिल्कुल आयुष, हाँ ये बनी ना बात, ये बनी बात। तो ये जो होगा ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। वैसे बता दूं तुम्हें तो इसको हम जीरो वेक्टर लिखते हैं, जस्ट टू गिव द रिस्पेक्ट दैट अगर इस साइड वेक्टर है तो इस साइड भी एक वेक्टर होगा, और इस वेक्टर का नाम होता है नल वेक्टर, जिसके बारे में मैंने कल बात कही थी, है जीरो ही, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट इट इज कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। सो बच्चों, देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ। अब सुनना ध्यान से, जब तीन वेक्टर्स बेटा ट्राइंगल की तीन साइड्स पे रिप्रेजेंट किए जाएं, और ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएं कि उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो मतलब क्या मतलब इस बात का, ऑर्डर सेम का, ये टेल ये हेड, ये टेल ये हेड, ये टेल ये हेड। तो अगर हमारे तीन वेक्टर्स ट्राइंगल की तीन साइड्स पे रिप्रेजेंट किए जाएं और ऑर्डर सेम हो, ए टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, सेम ऑर्डर में अगर तुम टिका दो तो पक्की बात है उनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। चैट पे लिख दें, चक दे फटे, ठीक है ना। अब इसीलिए मैंने आपको वो पॉइंट समझाया था, याद करो यहां पे, अगर आप याद करो यहां पे जो हमारा ट्राइंगल लॉ निकला था, तो मैंने ये बात समझाई थी, ये अच्छी तरह तुम्हें बात समझाई थी, ये टेल हेड है, ये टेल हेड है, इस फॉर्म में जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट ऑर्डर में है, टेल हेड। लेकिन अगर दूसरी फॉर्म देखें तो वो तीसरा जो होगा वो सेम ऑर्डर में होगा, और तीनों का जो नेट होगा वो हमारा जीरो होगा। यस और नो, यस और नो बेटा, समझ में आ रहा है? ब्यूटीफुल, मतलब ये ब्यूटी है, ये चमक गया अगर तुम्हें अच्छी तरह, है ना। हाँ, ये दिस इज ब्यूटी, ब्यूटी है ये, क्या है ये, दिस इज ब्यूटी, अगर ये कंसेप्ट चमक गया अपने को, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, डन है, डन है। अब देखना जरा, अब देखना क्या तुम बेटा बब्बर शेर बनने वाले हो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्या बात है, ठीक है। तो ये अनदर फॉर्म का बेटा आपको सारा थ्योरी में भी मिल जाएगा। व्हेन थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ नल वेक्टर। देखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो जो यहाँ पे जीरो एक वेक्टर लगा लो, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो एक नल वेक्टर होगा, दैट इज अ नल वेक्टर। चक दे फटे बेटा, बन की बात, बन की बात, मुझे तो बेटा बड़े नजारे आ रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडिशन सीख ली, सीख ली सर। अब किसकी बात आएगी सर? सब्ट्रैक्शन की। एडिशन आपने सिखा दी, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ग्राफिकल तरीके से ही सब्ट्रैक्शन को सीखते हैं, सुनो आराम से, बहुत सिंपल है, इसी का भाई है। देखो ए वेक्टर है ना, देखो पैरेलली शिफ्ट किया ए वेक्टर, करेक्ट बात है, ठीक है सर, सुनते जाओ आराम से। यह बी वेक्टर है, करेक्ट बात सर, ये सर बी वेक्टर है। और जब हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो हम बी को ए के टेल हेड पे रखते हैं, बी की टेल ए के हेड पे। और सर जो रिजल्टेंट मिलता है सर, आपने तो बहुत आराम से बताया हमें, ये समझ में आ गया सर, ये हो गया सर हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर। और सर आर वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। जय माता दी, जय माता, यहां तक आ गया समझ? आ गया समझ। अब मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं, सुनो, मैं इसको सर्च कर रहा हूं। अब a प्लस बी तो हो गया यार, दुनिया में a माइनस बी भी तो होगा, a माइनस बी भी तो होगा ना, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो नेट तीर कुमान दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट तीर कुमान कैसा दिखेगा? बिल्कुल कुछ तो होगा सर, ढूंढते हैं उसको। मैं काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ध्यान से सुनना इस बात को, ए वेक्टर में ऐड कर दो माइनस बी, है ना, ए में तुम ऐड कर दो माइनस बी, तुम्हें एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन नहीं आती, याद रखना। तो कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्शन को एडिशन की फॉर्म में ले आते हैं यार, एक ही बात है ना यार, फाइव में से यार, यार ये तो मेरे ख्याल से बच्चों इसमें तो तुम अगर ऐसी शक्लें बनाओगे तो मैं तुम्हारे घर पे शक्ल नजर आ रही है मुझे भी, जिस शक्ल तुम बना के बैठे हो। फाइव माइनस टू जो होता है यार ये थ्री होता है, ये तो सबको पता है ना यार,
तो मैं 5 में माइनस 2 की बजाय ऐड कर सकता हूं ना, माइनस 2 करने की बजाय ऐड कर दो माइनस 2, तो मेरा रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। शक्लें तो अच्छी बना दो गुल्लू मुल्लू से, तो मात्रो ऐसे स्मैश है ना, अगर स्माइल तो कर दो यार, है शक्ल तो अच्छी सी बना के दो ना फिर मेरे को। करेक्ट बात है सर, हाँ चमका सर चमका। तो अब सुनना आराम से जो बता रहा हूं, जिंदगी सेट होने वाली है यार। ये बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर किधर होगा? कॉमन सेंस सर, अगर ये बी है तो जो माइनस बी होगा वो इसका भाई इधर ही तो होगा, माइनस बी वेक्टर। करेक्ट बात है सर, बी को उल्टा दो, अगर ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है ये माइनस जे कैप है, बाहर की तरफ के कैप है तो अंदर माइनस के कैप है, ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है। करेक्ट बात है सर, नो इश्यूज। अब इसमें इसको ऐड कर दो ए में माइनस बी को, बन गई बात, बन गई बात, और क्या चाहिए यार, खत्म हो गई यार, जय चक दे फटे बेटा निपट गया। ये ए वेक्टर, ये वाला माइनस बी वेक्टर, और माइनस बी की मेरी किस्मत अच्छी थी, माइनस बी की टेल ए के हेड पे पड़ी है, तो ऐड करने के लिए फिर ट्राइंगल लॉ लगा दो, तो पहले की टेल से दूसरे के हेड से जो वेक्टर मिलेगा वो जो मेरा वेक्टर होगा वो होगा मेरा आर डैश वेक्टर, वो जो होगा मेरा होगा वो आर डैश वेक्टर, और आर डैश वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। बेटा चैट पे लिख दें चक दे फटे बेटा, इसके लिए चक दे फटे बनता है, एडिशन भी कर ली सब्ट्रैक्शन भी कर ली। यस सर, नजारे आ रहे हैं नहीं आ रहे जल्दी बताते जाओ फटाफट मुझे, एकदम से वो जोश के साथ, मजा आ गया ना, चक दे फटे, एडिशन भी होगी सब्ट्रैक्शन भी होगी। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है इनको देख के तो पहले हंसी आनी चाहिए, क्यों यार, ये कर तो रहे हैं हम, तो इसके पापा जी कर चुके हैं, मतलब कंपोनेंट मेथड सीख लिया तो वैसे ही रिजल्टेंट लेने आते हैं हम, तो उसे एक लेवल ऊपर कर, ये तो बेटा हल है, ये तो शाहरुख खान की तरह एकदम से मजे लेने आए हैं और कुछ नहीं है यार। हाँ ये शाहरुख खान है आराम से, हाँ डन 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 डन, चक दे फटे जी चक दे फटे, ठीक है जी, चलो जी चलो 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 चलो, बड़े प्यारे दिल भेजे हैं तुम लोगों ने, ठीक है जी। हाँ जी यस यस यस, ये सीखने के लिए सीख रहे हैं, गलगो पूछे तो हमें आता हो, हम तो शुरू करने से पहले ही खत्म कर चुके हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो ए बी देख रहे हो, फिर बी को उल्टा किया, एनिमेशन देखो, ये ए था बी को पैरेलली शिफ्ट किया, बी को पलटा दिया, ये बन गया ए प्लस बी, बी पलटा दिया, और फिर जो उन दोनों को ऐड किया वो हमारा बन गया a माइनस बी। सुपर क्वालिटी एनिमेशन है, सुपर a b, a प्लस बी, b को पुठा किया और फाइनली पुठा करके जो जोड़ दिया दैट इज a माइनस बी, डन डन। अब सब्ट्रैक्शन अगर ट्राइंगल लॉ से सीखी है तो सब्ट्रैक्शन बेटा हमारी पैरेललोग्राम लॉ से भी आएगी, बिल्कुल आएगी, वहां से भी कर सकते हो। कैसे करोगे अब तो, बट फटे रख दो यार, अब क्या करना है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सर ये है a वेक्टर, बना लो, सुन लो अब ध्यान से, ये सर ए वेक्टर है पैरेलली शिफ्ट किया, सर ये बी वेक्टर है सर पैरेलली शिफ्ट किया, और यार इन दोनों का जो पैरेललोग्राम होगा वो ऐसे बनेगा, और जो डायगोनल होगी, जो डायगोनल होगी मेरे भाई वो मेरा बनेगा रिजल्टेंट दैट इज आर वेक्टर, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आर वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट मुझे तलाश है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, मुझे तलाश है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, तो क्या करूंगा, कोई बात नहीं, वही चीज दोबारा यहां पे पैरेललोग्राम लॉ से ट्राई करते हैं, ए में माइनस बी ऐड कर दो, ए में माइनस बी ऐड कर दो, और ये माइनस बी बेटा पलटा दो, पलटाओ जरा इसको मेरे भाई को, इस भाई को पलटा दो, ये देखो पुट्ठा कर दो इसको, इसको पुट्ठा करोगे तो ये मेरा बन जाएगा माइनस बी वेक्टर, ये मेरा बन गया माइनस बी वेक्टर, और इन दोनों को अगर मैं मेरे भाई अगर ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सोचो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एक अपना पैरेललोग्राम लॉ बना लें, दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा दैट इज माय आर डैश वेक्टर, और सोच के देखो ये रिजल्टेंट है, आर डैश किसका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर में ऐड किया माइनस बी वेक्टर, आर डैश में ऐड किया माइनस बी वेक्टर। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, चक दे फटे बेटा, देखो है ना, और अगर थोड़े से भी समझदार हो, थोड़े से भी समझदार हो, ये वेक्टर और ये वेक्टर जो मैंने बनाया ये एक ही है, वो ट्राइंगल लॉ से दिख रहा है, समझ रहे हो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ से दिख रहा है, आ रहा है समझ में, यस सर, चोर है चोर है, बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ चोर है, ठीक है, डन है डन है। चलिए चलिए, बहुत सही, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया बता दिया, अब सुनना मेरी बात को, अब सुनना, जय माता दी, जय माता दी, ठीक है जी। अब करना क्या है, सुनना आराम से, मैं तुम्हें एक और मस्त चीज बताता हूं, अपन ना पहले आगे आ जाते हैं,
यार ये ए वेक्टर था, सुनना ध्यान से बेटा, मस्त चीज आने वाली है, ये बी वेक्टर था, ठीक है ना, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था ना यार, मतलब ठीक है ना, ये मैं एक पैरेललोग्राम लॉ बनाता हूँ, एक काम करते हैं, चलो इनका जो रिजल्टेंट था वो आर वेक्टर था, ध्यान से सुनना, वो आर वेक्टर था, करेक्ट बात है, आर वेक्टर किसके बराबर है सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सेम चीज बच्चों हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम लॉ आल्सो। आप बी वेक्टर को यहां दिखा दो, बात तो एक ही है ना, बी को पैरेलल ही दिखा दो, आप पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करो तो डेफिनेटली ए प्लस बी आपका आर वेक्टर बन जाएगा, करेक्ट बात है सर, आ गया समझ में। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये वाली डायगनल मैं तुम्हें कहूं कि ये आर डैश वेक्टर है जो दूसरी डायगनल है, तो कितने बच्चे मुझसे सहमत हैं? ये वाली जो डायगनल है ये तुम्हें सब्ट्रैक्शन दे रही है, कितने बच्चों को ये दिख रहा है मुझे बताओ, जो सेकंड डायगनल है ये सब्ट्रैक्शन है, ये कितने बच्चों को दिख रहा है जल्दी बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी इट, कौन कौन अंगूठा भेज दो जरा मुझे यार, नहीं दिख रहा है, नो कोई बात नहीं, डरना नहीं, रोना नहीं, मैं दिखाता हूं, दिख जाएगा तुम्हें, ध्यान से देखना, जरा जादू होने वाला है एकदम। यार अगर ट्राइंगल लॉ लगाया जाए बी प्लस आर डैश, ध्यान से सुनो जरा, ये है बी वेक्टर, ध्यान से सुनो जरा, और आर डैश जो है ना उसका जो टेल है वो यहां है बी के ऊपर, बी का बी के हेड पे उसका टेल है, और इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देना हो, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देना हो तो देखो यार मेरे भाई, ये रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर के बराबर। ये रिजल्टेंट क्या होगा, पहले से दूसरे के हेड पे, तो अगर तुम यहां पे इक्वेशन लिखी लो बी वेक्टर में आर डैश वेक्टर ऐड कर दो तो सर ये ए वेक्टर बन जाएगा, तो आर डैश वेक्टर सर जो होगा वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आर डैश वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यस सर, आगे नजारे आगे नहीं आगे, तो ये आर डैश जो सेकेंड डायगनल है, जो सेकेंड डायगनल है मेरे भाई, हाँ जी, अरे मुझे मोटा भाई कह रहे हो यार, जब मैंने मजाक में कहा था तुम सच में सीरियस हो गए। चलो कोई नहीं, ले लो मुझे यार, क्या जा रहा है, बर्गर, हाँ ये बर्गर है, तो जो सेकेंड डायगनल है दैट रिप्रेजेंट दिस सब्ट्रैक्शन। बच्चों ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस रिजल्ट, इसके ऊपर कभी कोई जीवन में संदेह मत रखना कि जो पहली डायगनल है ये एडिशन को रिप्रेजेंट करती है और जो दूसरी डायगनल है वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब आप बोलो सर फिर ये क्या बताया तुमने, सर ये फिर क्या तमाशा किया उठा करके आपने, बेटा एक ही तो बात है, इस आर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो। अरे यार ये क्यों ले लिया मैंने, एक सेकंड, है ना, आप इस आर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, ये देखो ये जो डिफरेंस है वो एक ही बात है, दिखाने का नजरिया है, कई ढंग है देखने के, तो कौन सा कलर बेटा यूज नहीं हुआ अभी तक जो मैं कर सकता हूं यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ ये कर लेते हैं, तो अगर आप इस आर डैश को पैरेलली शिफ्ट करो ये आर डैश यही वेक्टर बनेगा, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, सो दैट इज आल्सो द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, इट इज जस्ट अ डिफरेंट वेज ऑफ विजुअलाइजिंग इट। यस सर, बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है, जल्दी बताओ, चक दे फटे, जिसको समझ में आ रहा है मुझे एक बार ये फटाफट स्माइली भेज दो, मुझे पता लग जाए नजारे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यस सर, वेरी गुड वरदा, राजनीति बिल्कुल जी, चक दे फटे, मस्त यार भेजो यार एकदम से, ऐसे नहीं है ना, हाँ तो देखो अभी कैसे कैसे मतलब चले, एडिशन सब्ट्रैक्शन डन। एक आधा बच्चा मुझे दिखा जिसको नहीं आया, मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर, बहुत आराम से बताया मैंने, थोड़ा सा स्लो ही बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सा रुक के चलना, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, चक दे फटे। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस का वक्त आ गया है, ठीक है ना, हमारा सारे लॉज हो गए हैं, अब इनके ऊपर कुछ सवाल हैं, अब कॉपी पेन लेके बैठ जाना, सवाल वाकई कुछ बढ़िया क्वालिटी होने वाले हैं, ठीक है ना, हाँ तो रेडी हैं सभी, शुरू करने वाला हूं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ गया स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, अगर ए प्लस बी प्लस सी, सुनो ध्यान से क्वेश्चन को, जीरो है, देन प्रूव दैट दीज वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगल साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर तीनों का रिजल्टेंट जीरो है तो प्रूव करो कि ये सेम ऑर्डर में ट्राइंगल पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। मेरे भाई यही तो सिखाया, ये ए वेक्टर है, ये सर बी वेक्टर है,
और ये अगर हमारा ये घूम के वापस वहीं जुड़ जाए, समझ रहे हो, तो रिजल्टेंट जो होगा मेरे ख्याल से ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो जीरो ही तो होगा मेरे भाई, और क्या होगा जीरो ही तो होगा। तो मतलब भाई हो गया इसमें क्या, इट इज द ट्राइंगल लॉ, ये तो ट्राइंगल लॉ, इसमें अब अनदर फॉर्म है। हाँ ये है ट्राइंगल लॉ की अनदर फॉर्म है जो हमने डिटेल में पढ़ी है। ऑर्डर सेम है, याद रखो, टेल के बाद हेड आया, फिर टेल के बाद हेड आया, फिर टेल के बाद हेड आया। तो अगर ऐसे घूमा जाए इस पूरी फिगर में तो ऑर्डर सेम है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। डन डन, चक दे फटे। यस सर, यस सर, अनदर वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया पुत्र, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बल्ले बल्ले होने वाली है, आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सुनते जाओ बस, मस्त मस्त सवाल पढ़ो, बहुत बढ़िया शानदार। थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल गिव जीरो रिजल्टेंट। तीन फोर्सेस हैं वो जीरो रिजल्टेंट देती हैं, तीन फोर्सेस जीरो रिजल्टेंट दे रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तीन फोर्सेस हैं जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, सीक्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट दीज फोर्सेस। इनमें से कौन सा वो पेयर नहीं बन सकता, अगर तीन फोर्सेस जीरो रिजल्टेंट दे रही हैं, सोच के देखना, मतलब एक एफ वन वैक्टर है, एक एफ टू वैक्टर है और एक एफ थ्री वैक्टर है, वो ये कह रहा है कि इन तीनों का, मेरे साथ साथ दिमाग प्रोसेस करो अपना, जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, तो कौन सा पेयर नहीं बन सकता, सवाल ये है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, ये पिछला ही तो सवाल हुआ, तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो तीनों क्या बनाएंगी, तीनों क्या बनाएंगी मेरे भाई, तीनों बनाएंगी, तीनों बनाएंगी, है ना, अपन अब एफ वन एफ टू एफ थ्री लिखते हैं ना, बेटर है, अब हम क्यों लिखेंगे, हम बीएबीसी है ना, अपन एफ वन एफ टू एफ थ्री लिखेंगे। तो दिस इज बच्चों एफ वन वैक्टर, दिस इज एफ टू वैक्टर, और मेरे भाई ये जो इधर जा रहा है दैट इज माई एफ थ्री वैक्टर। तो तीनों आपस में एक क्लोज्ड ट्राइंगल बना रही होंगी, और हमें पता है ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। वेल डन यार, मजा आ गया, आंसर लिख दिया तुम लोगों ने। ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, द टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, है ना, इक्वल टू भी नहीं होता उसमें, फ्लैट हो जाता है, तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मतलब आप देख लो यार, मतलब ये प्रॉपर्टी किसमें लागू है, फोर प्लस सिक्स जो है एट से बड़ा है, बड़ा है, ठीक है ना, सिक्स और एट का सम फोर से बड़ा है, है ना, और एट और फोर का सम अगर आप समझोगे वो सिक्स से बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर वो ट्राइंगल बना रहे हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बस ये है बस अब क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से बच्चों ने ऑप्शन देख ली है, वो बी ऑप्शन है, अगर मैं फोर प्लस सेवन करूं तो इलेवन है, और सीधी बात है वो 12 से छोटा आ रहा है, तो मतलब ये ट्राइंगल नहीं बना सकते, और आपसे यही पूछा गया है कैन नॉट रिप्रेजेंट। बाकी आप कोई भी देख लो, 3 प्लस 2 बेटा 5 है, 4 से बड़ा है, 1 प्लस 2 3 है, 2 से बड़ा है, कोई भी पेयर कर लो आपका बड़ा आएगा, उस केस में आपका आंसर बी बॉम्बे आ जाएगा। डन 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 पुत्र, चक दे फटे, जय माता दी, जय माता दी, बड़ी सी स्माइल के साथ अगले सवाल पे। ठीक है, अब लाइफ सेट होने वाली है, कुछ ऐसा इसको करने के बाद चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट होगी, ये तुम्हें मैं चैलेंज कर रहा हूं, ना हुई तो नाम बदल देना। सवाल देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो सम है वो जीरो के बराबर है। टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड थर्ड वन इज, ध्यान से सुनो, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और जो तीसरा है इट इज रूट टू टाइम्स देयर मैग्नीट्यूड। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो जीरो है, इससे क्या पता लगा, क्लोज्ड ट्राइंगल बनेगा। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दो का ट्राइंगल में, दो का ट्राइंगल तो बनेगा यार, देखो ट्राइंगल में तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ट्राइंगल तो बनने वाला है क्योंकि तीनों का सम जीरो है, इसमें दो का मैग्नीट्यूड सेम है और तीसरा जो है वो रूट टू टाइम्स है, मुझे बस ये बता दो, बस आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, मुझे ये बता दो ये ट्राइंगल कैसा है, चैट पे लिख के बताओ ये ट्राइंगल कैसा है। अब आ रहे हैं लजारे, अब तुम बेटा मेरे शेर बन रहे हो, साथ चल रहे हो मेरे, हाँ ये चाहिए मुझे, हाँ अब शेर बन रहे हो तुम लोग,
हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इट इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्राइंग। अब बनी बात पुत्र, अब तुम्हें समझ गए बात को। ये कुछ ऐसा है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, समझ रहे हो? लेंथ सेम है और जो सी वेक्टर है वो ऐसा है, ये एक राइट ट्राइंगल ट्राइंगल होगा, समझ रहे हो? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें ये एंगल ये 90 और ये एंगल ये 45। बच्चों ने बहुत बढ़िया जवाब दिए, 45 45 और 90 डिग्री, है ना? हाँ ये बनेगा। यस 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 यस, ठीक है, डन। हाँ तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो एंगल कितना है जल्दी बताओ, कितने एंगल आ रहे हैं वेक्टर्स के बीच में? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यस बच्चों चैट में लिख के बताओ फटाफट, बल्ले बल्ले लिख दो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख दो, बल्ले बल्ले लिख दो चैट पे, जल्दी बल्ले लिख दो, है ना? हाँ बल्ले 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 बल्ले, हाँ। और जो जो बल्ले बल्ले लिख रहे हैं ना, हाँ जो बल्ले बल्ले लिख रहे हैं, जो बल्ले बल्ले लिख रहे हैं, मुंह पे चांटा लगा लो अपने, अभी के अभी लगा लो, अभी के अभी चांटा लगा लो। ये आएगा, ये आएगा, कल सिखाया तुम्हें, मुक्का मार देना मैंने पकड़ के बेटा, ये आएगा, ये कल सिखाया था इतना मेहनत करके तुम्हें, क्या यार। एंगल इज नॉट द एंगल जो तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं, हमें दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना है, और वो ज्वाइन करने के बाद जो छोटे वाला एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो याद करो मूर्खों, ये कल तुम्हें बात अच्छी तरह बताई थी, बल्ले बल्ले करी जा रही है ना आंखें बंद करके। तो ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, फिर बी को ए की टेल पे लाओ, बी को शिफ्ट करो, बी को ए की टेल पे लाओ, फिर ये जो सी है ना, सी को पैरेलली शिफ्ट करो और सी को भी टेल से जोड़ो, सी को भी टेल से जोड़ो, ऐसे अब तुम्हें दिखेंगे ए और बी में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, बी और सी में जो एंगल होगा, समझ रहे हो, छोटे वाला जो एंगल होगा ये बी है ये सी है, तुम्हें ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल तुम्हें नहीं लेना, छोटे वाला कल सिखाया तुम्हें, इट इज द स्मॉलर एंगल व्हेन दे आर जॉइंट टेल टू टेल ऑफ स्माइल, है हंस रहे हैं आगे से हैं। हाँ जी सर, बल्ले बल्ले कर दी फटाफट, बल्ले बल्ले कर दी है, हैं? हाँ तो ठीक है ना। तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 90 135 एंड 135, 90 135 एंड 135। एंड गाइज आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन यस्टरडे, एंड देयर आई हैव गिवन यू जस्ट दिस क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और ये मैंने आपको डायग्राम दिया था, और ये इसी क्वेश्चन का ग्लैमर वर्जन है। ये क्या है, ये ग्लैमर है, क्या है पुत्र ये ग्लैमर, इसके अंदर पता नहीं देख के पता नहीं क्या लगता है, ओए होए होए क्या पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो सुन के हार्ट फेल हो जाए, फिर ए बी दे दिया, फिर ग्लैमर है कुछ नहीं है, बस फालतू में तड़के लगाए हैं, मुकदी बात इतनी है कि बस ये डायग्राम हमें बनाना है, खत्म, बाकी कुछ नहीं है। यस सर यस सर यस सर, दैट इज अ ग्लैमर वर्जन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर सवाल मैं बता रहा हूँ सवाल सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें ग्लैमर का तड़का लग जाता है ना, वो देखने में पता नहीं क्या होते, कुछ नहीं। यस सर ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ बाजे बजाएं, अब बल्ले बल्ले करें, अब चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले बनती है, अब टाइम आया बल्ले बल्ले का। तो ये वही क्वेश्चन है जो कल किया था, उसी का हमने एक और ग्लैमरस वर्जन देखा है, सवाल वही है, अब बल्ले बल्ले कर सकते हैं, अब आप दिस इज द टाइम, बिल्कुल नाउ दैट्स द टाइम फॉर बल्ले बल्ले। यस सर चकरे पटे, चलो जी चलो, हाँ हुन बनी गल, हुन बने बर्गर पैटी, हाँ वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, और अभी 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 बस बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अगले सवाल पे आओ। ये सवाल ग्राफिकल का बेस्ट प्रॉब्लम है ना, ग्राफिकल एडिशन अगर किसी ने सीखनी है ना, तो ग्राफिकल एडिशन में ये इट इज वन ऑफ दी मतलब पायोनियर क्वेश्चंस जिसकी मार्केट में काफी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, बड़ा आराम से निकलेगा, ज्योमेट्री से निकलेगा, आ जाओ बस फटाफट बोर्ड पे। कह रहे द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 16, ध्यान से सुनते जाओ, दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 16 है, सुन लो आराम से, दो वेक्टर हैं मतलब कुछ वेक्टर होगा ए वेक्टर, कुछ वेक्टर होगा यहां पे बी वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा ए और उसका मैग्नीट्यूड होगा बी, वो 16 है, मैग्नीट्यूड का सम, लेंथ प्लस लेंथ 16, वेक्टर सम नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर सम इज 8, मतलब इनका जो आर वेक्टर होगा ना वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो 8 के बराबर है, सुनते जाओ लिखते जाओ डेटा साथ साथ, है ना,
और अच्छा सॉरी ये ईट यहाँ लिखना गलत हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, हाँ ऐसे लिखना गलत है ना, तो वेक्टर है। हाँ तो अपन एक काम करते हैं, अपन सर ऐसा करते हैं, आर वेक्टर का जो मॉड है दैट मॉड इज इक्वल टू इट, दैट मॉड इज इक्वल टू इट। यस सर, यस सर। इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं इनका रिजल्टेंट बनाऊं, सुनते जाओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मैं चाहता हूं जो रिजल्टेंट बने ये आर वेक्टर है, और ये जो एंगल है ये एंगल 90 चाहता हूं। मतलब सोच के देखो, फिगर में तो नहीं दिख रहा फिगर में तो नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिजल्टेंट 90 दिखे, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, है ना, यही है ना, इट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर्स। सवाल है इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ए और बी की लेंथ कितनी है, ठीक है, ए और बी की लेंथ कितनी है। क्वालिटी क्वेश्चन है, मुझे बस कॉमन सेंस से बता दो, अगर मुझे ये एंगल 90 करना है, अगर मुझे ये एंगल 90 करना है, तो मैं इस पूरी फिगर को ए ऐसे रोटेट करूं, मतलब सोचो, मतलब आर को उठाना है ना, या मैं ऐसे रोटेट करूं, चैट पे लिख के बताओ। ये रियल फिगर तो नहीं है ना, रियल फिगर तो नहीं है सिचुएशन के हिसाब से, तो किधर रोटेट किया जाए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इस आर को 90 पे लेके जाना है, सोच के बताओ, अगर किसी ने विजुलाइज कर लिया वन की तरफ के टू की तरफ, अब चमकी बात, अब चमकी सर, अरे कलोल करके सर अब, हाँ तो तुम्हें इसे उठा के लेकर जाना है 90 की तरफ। तो भाई मेरे, अब जरा सोचना जो मैं बनाने वाला हूं, है ना, अब जो बनने वाला है वो अब सबके पापा जी हैं, ये है सर, ये है सर ए वेक्टर, सोच के देखना, बी को कर दो ऐसे, ये कर दो बी वेक्टर, और चैट पे लिख के बेटा बल्ले बल्ले अब कर दो, ये मेरा बन गया आर वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म, चैट में लिख दो बल्ले बल्ले, अगर चमका है तो लिख दो बेटा, अभी के अभी लिखो, मुझे पता लगे तुम्हें समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन को, है ना। इसी फिगर को मरोड़ के अगर मैं सीधा कर दूं तो इस फिगर में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ, कन्वर्ट होगी ना? यस। तो ये दिमाग का डेवलपमेंट है, ये दिमाग का डेवलपमेंट है, ठीक है ना, चक दे फटे पुत्र, बिल्कुल। और अब बेटा अब राजे हो, ठीक है ना, मैं थोड़ी स्पेस कम है तो मैं अब ले जाता हूँ बेटा, यहाँ पे फिगर ले जाते हैं, ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर है, और ये बेटा जो है आपका आर वेक्टर है, है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर है, अब आप समझो, अगर ये वाली लेंथ एक्स है तो ये वाली जो लेंथ है ये 16 माइनस एक्स है, सीधी बात है, सम जो है वो 16 है, सॉरी सम जो है आपका वो 16 है, ए प्लस बी इज 16, तो अगर एक की लेंथ x है दूसरे की लेंथ जो होगी वो 16 माइनस एक्स होगी, और जो r की लेंथ है वो 8 है, r की जो लेंथ है वो 8 है, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप देखो द वैल्यू ऑफ r इज 8। तो मेरे ख्याल से बेटा आपके सामने एक पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वेयर, समझ रहे हो, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, खत्म होगी बात, x में इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर दो, चक दे फटे निकल गया क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बेस्ट प्रॉब्लम जो ग्राफिकल में, मैं भाई आज मैंने लेक्चर में शुरू में ये बात बोली थी कि बच्चों अब जमाना एरोप्लेन उड़ाने का है, एरोप्लेन तब उड़ता है जब डे वन से एरोप्लेन उड़ाने का प्रयास किया जाए, गुल्लू मुल्लू चीजें करके कभी एरोप्लेन नहीं उड़े, अगर एरोप्लेन उड़ाना है तो तभी उड़ेगा मेरे भाई, अगर हम डे वन से तैयारी करेंगे एरोप्लेन की उड़ाने की, ठीक है ना। हाँ तो ये याद रखना बच्चों, एक तुम्हें बड़ी अच्छी शायरी सुनाता हूं, रिक्वेस्ट करो पहले, ऐसे नहीं मैं सुनाता, थोड़ा सा एक दिमाग में आ गई मेरे, थोड़ा सा पहले ना, हाँ यस सर, हाँ आर को भी, हाँ बिल्कुल, नहीं आर हाइपोटेन्यूज नहीं है मेरे भाई, इस बार आर हाइपोटेन्यूज नहीं है, आर साइड है, ये ए है ये बी है, तभी आर ऊपर आया, तो बी है हाइपोटेन्यूज, आर नहीं है, कोई पूछ रहा था यहाँ पे, है ना। हाँ तो तुम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ठीक है तुम्हारे इस को लेके, तो याद ये मैं कुछ दो लाइनें सुनाता हूँ, कहता है टूटने लगे अगर हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। वाह 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 वाह, जरा चैट पे लिख दें, टूटने लगे अगर हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते,
ठीक है ना। तो जो जुगनू है ना बच्चों, वो रोशनी का मोहताज नहीं है, वो अपनी मंजिलें वहां भी ढूंढ लेता है, ठीक है ना। तो मैं बार बार ये बेटा बात बोल रहा हूँ, जब जब हौसला टूटे ना आपका कि मुझसे हो नहीं रहा, मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, तो ये याद रखना बेटा, हमने जुगनू बनना है। हम तभी भी बिना अंधेरे, समझ रहे, बिना रोशनी के भी हम अपनी मंजिल तक पहुंचते क्या, अपना रास्ता निकाल लेंगे, ये याद रखना बच्चों। तभी तभी सक्सेसफुल हो गई ये 2 साल मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी बच्चे जैसे जैसे देख रहे हो ना, मतलब वो धीरे धीरे कम होता जाता है बच्चों का। तो याद रखना मेरी इन बातों को, ठीक है ना। वाह, चलो ठीक है। तो मेरे भाई आगे सॉल्व हो जाएगा, आगे इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दूं प्लस 64 कर दूं, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 और माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा माइनस 32x, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट गया और आप 32x को इधर ले आओ और 256 में से अगर आप 64 या माइनस कर दो, ये आप करके देख लेना बेटा, आगे सॉल्व हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 192 इज इक्वल टू 32x और अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 192 अपॉन 32 है ना, 192 अपॉन 32। और अगर ये सॉल्व करके अगर आप देखें साफ साफ, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 6 से काट दूं, हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो ये बिल्कुल 6 के बराबर आ रहा है अगर आप पूरा सॉल्व करोगे। तो 1 इज 6, सेकेंड इज 16 माइनस 6 दैट इज 10, सो द आंसर इज 6 एंड 10, द आंसर इज 6 एंड 10। यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया है, बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ग्राफिकल एडिशन, ठीक है। चलो अब एक और बड़ा अच्छा क्वालिटी प्रॉब्लम बेटा मैं आपको दे रहा हूं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, ये भी बड़ा क्वालिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत क्वालिटी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, समझो जरा क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकल के ऊपर सवाल है। फिगर शोज ए बी सी डी ई एफ एज अ रेगुलर हेक्सागन। एक मेरे पास फिगर है जिसमें ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ध्यान से देखना। आपसे पूछा गया है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हो गया ये वाला ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर कौन सा है, ए से सी वाला वेक्टर, ये वाला प्लस ए डी वेक्टर, ये वाला मेरे भाई है ना, ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर बनाते जाओ और प्लस ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर ये वाला। ये जो तुम्हें व्हाइट कलर के एरोस दिख रहे हैं, इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है, सवाल ये है, सवाल बहुत शानदार है, ठीक है ना, दिस इज अ क्वालिटी प्रॉब्लम। रिजल्टेंट किसके बराबर है, ठीक है ना, ऑप्शंस में कुछ कुछ लिखा है, इन ऑप्शंस को देख के बस बच्चों मुझे आप ये बताओ, पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है, पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है, जल्दी बता दो बस, जिसने ये ऑब्जर्व कर लिया ना उसकी लाइफ सेट है, जिसने ये ऑब्जर्व कर लिया, पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ। अरे आंसर छोड़ो यार, आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं तुमसे, मैं पूछ रहा हूं लिखा क्या है। पॉलीगन लॉ लगेगा, शाबाश चोर, आलो मैंने कहा पहली चीज बेटा चोर छूट गया पीछे, अब आगे आ जा लाइफ में, तू चोर भी बैठा है अभी तक, बच्चे ने लिखा सर चोर है, अरे चोर गया बड़े जमाने बदल के चोर के, ये चोर भी बैठा है भाई अपना कह चोर है सर, हर सवाल में चोर है, मम्मी नंबर नहीं आया, मम्मी डांट रही, नंबर नहीं, मम्मी चोर है, सबको चोर बोल दो है, अब खत्म होगी बात। यस चाकरे बटे, चाकरे बटे, मैं पूछ रहा हूं, हाँ ए ओ एग्जैक्टली, ये बात पकड़ी है, वेरी गुड दर्श, वेरी गुड, लव यू ब्रदर, ये बात पकड़ी है कि भैया जितनी भी ऑप्शंस हैं तुम्हें ऑप्शंस पे ध्यान देना था, क्योंकि ऐसे रैंडम चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बेटा माइंड डेवलपमेंट है, मैं इसी को बोलता हूँ, व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ क्वालिटी प्रॉब्लम, ये माइंड डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चंस लिए जाते हैं, कि क्वेश्चंस में रास्ता नहीं पता, सीधा सीधा कुछ नहीं पूछा, बट तुम्हें खुद अपना माइंड से रास्ता बनाना है। तो ये जो ए ओ गिवन है ये आपको गाइड कर रहा है, हर ऑप्शन में ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, बस स्केलर है 1 2 4 क्या है वो, तो मतलब फाइनल रिजल्ट मुझे इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ए ओ वेक्टर, समझ रहे हो, ए ओ ए ओ, ये छोटू वेक्टर मैं यहां बना देता हूं, ये है ए ओ वेक्टर, ये छोटू वेक्टर, तो फाइनल मुझे इस डायरेक्शन में रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जो तो इस डायरेक्शन में है उसको नहीं छेड़ते, और जो इस डायरेक्शन में नहीं है उनको छेड़ लेते हैं। तो आप अब बेटा जरा थोड़ा सा भी दिमाग लगाना, आपके सामने क्या लिखा है, देखो जरा ध्यान से, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, यहां मैं बड़ी मस्त चीज आने वाली है, यहां मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूं, मैं इसी को यूज करता हूं अभी, ठीक है, देख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो चल लेंगे। तो बच्चों ए बी वेक्टर ना, ए बी वेक्टर ये वाला हो गया, ए बी वेक्टर देखते जाओ, है ना, ए बी वेक्टर,
प्लस बच्चों एसी वेक्टर, ये एसी वेक्टर है, ये एसी वेक्टर है ना, दिस इज एसी वेक्टर, ये वाला। तो एसी वेक्टर किसके बराबर होगा, एसी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, बात तो एक ही है यार। ये जो ए सी वैक्टर है, ए सी वैक्टर है, ए सी वैक्टर को क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी। उसको मैं क्यों स्प्लिट कर रहा हूं, क्योंकि वो एओ की डायरेक्शन में नहीं है, एओ की डायरेक्शन में नहीं है, तो उसे तोड़ लो, ए बी प्लस बी सी, ठीक है सर, हो गया है ना, ये भी हो गया। ए डी वैक्टर, बच्चों चैट पे लिख के बताओ, चैट पे लिख के बताओ, क्या ए डी वैक्टर को तोड़ना चाहिए, मैं चैट पे लिख के आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मुझे ईडी वेक्टर को तोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, तोड़ना चाहिए, नो यस नो। अब बनी बात, अब बनी बात टमाटरों की, बिल्कुल नहीं तोड़ना सर, यही तो चाहिए, यही तो उद्देश्य है, ईडी की तो डायरेक्शन में ही तो जाना है है ना, नहीं करना, यस नहीं चाहिए, ओके, अब चमक रहा था, अब तुम मेरे साथ चल रहे हो, अच्छा इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अब ए का बताओ, ए ई वेक्टर, ये ए ई वेक्टर है, ये वाला ए ई वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ये वेक्टर है, ये ए ई वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, सोचो जरा, बड़ा बड़ा मजेदार काम हो रहा है, ए ई को लिख सकता हूं ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई, फायदा हो गया मेरा, मेरे को ए डी भी मिल गया, समझ रहे हो, ए ई को लिख सकता हूं ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई, समझ रहे हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यस और नो, यस सर, ये भी हो गया, है ना, आ रहा है समझ में, ये ऐसे दिमाग चलता है, माइंड डेवलपमेंट होती है इस तरह से। और ये पुत्र देखो, मैं सीधी बात बेटा बार बार बता रहा हूं, मैंने अपने बच्चों को चुगुनी बनाना, हमारे वेदांतु के जेई चैनल के बच्चे बब्बर शेर होने चाहिए, और उनकी दहाड़ होनी चाहिए मार्केट में, और ये दहाड़ तभी बनेगी अगर हम दहाड़ेंगे, हाँ हम ये दहाड़ है, मैं बता रहा हूं बेटा वेक्टर्स की जो हम सीख रहे हैं, हर लेक्चर में सीखेंगे, है ना, यस सर, बिल्कुल। और इसी तरह ए एफ वैक्टर बता दो फटाफट, ये ए एफ वैक्टर क्या है, वॉट इज ए एफ वैक्टर, हाँ जी मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चों, ए एफ वैक्टर किसके बराबर है, है ना, ए एफ कौन है, ये ए एफ है, ध्यान से देखिए, दिस इज ए एफ, दिस इज ए एफ, तो ए एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, ए एफ को, अब थोड़ा स्मार्टली चलना, जरा स्मार्टली, ध्यान से, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी, हाँ ए एफ को क्या लिख सकता हूं, आखिरी रह गया, या तो ए एफ को लिख दो ए ई, है ना, प्लस ये ए ई प्लस ये, बट फिर ए ई आ जाएगा, दोबारा ए ई में एंटर करके, और ए ई को तो फिर तोड़ा है, या तो फिर उसे दोबारा लिख दो, या हाँ मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ए एफ को लिखो ए डी, ए एफ को लिखो ए डी वेक्टर, पॉलीगन लॉ लगाना आ रहा है, ए डी प्लस डी ई, समझ रहे हो, प्लस डी ई वेक्टर, ए डी प्लस डी ई, और एक मेरा आ जाएगा ई एफ वेक्टर प्लस ई एफ वैक्टर, ये मेरा बन गया बेटा पूरा, चैट पे लिख दे, चक दे फटे, समझ में आ गया, खत्म होगी बात, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है, ए एफ वैक्टर जो था इसको मैंने क्या लिख दिया, ए डी प्लस डी ई, मुझे अंगूठा भेज दो अगर समझ में आ रहा है तो, ए एफ को लिख दिया ए डी प्लस डी ई, समझ रहे हो ना यार, ये ऐसे ही तो है ना, ये ऐसे ही तो है, ध्यान से देखिए जरा इधर, अगली स्लाइड पे अगर मैं जाऊं तो ये आ गया ए डी वैक्टर, ये आ गया डी ई वेक्टर, और ये मेरा आ गया ई एफ वेक्टर, ध्यान से, तीन वेक्टर हो गए, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, तो ए एफ वेक्टर अगर मैं यहीं पे लिख दूं अलग से, तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, यस सर जल्दी लिख दें जरा, है ना, एकदम से, यो सर आ गया, तो ठीक है बेटा, लाइफ आपकी सेट है, मेरा काम हो गया, डन डनाडन, जॉब इज डन फॉर टुडे, तो अब आप देखते जाओ बेटा, देखते जाओ, देखो जो एडी के अलावा है सब कट जाएगा, क्योंकि नेट हमें एडी में मिलेगा, है ना, तो अब आप जरा दिमाग लगाओ जरा, आपके पास ये डीई वेक्टर है, देखो डीई वेक्टर ये रहा, ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है ए बी वेक्टर से है ना, ए बी आगे को दिख रहा है, ए बी आगे को, या समझ रहे ना यार, ये भाई ए बी वेक्टर ये रहा, डीई वेक्टर ये रहा, ये तो दिख रहा है ना तुम्हें, उल्टी डायरेक्शन में है, तो कैंसिल हो जाएंगे आपको, है ना, तो ए बी कट गया, ए बी कट गया डीई से, ए बी कट गया डीई से, एक ए बी और कटेगा डीई से, डी एक और होगा, देखो एक और डीई और है ना, ये वाला ए बी ये डीई से कट गया ठीक है, अच्छा अब और किसका बर्थडे बजना है, अब बीसी है ये बीसी वेक्टर है, बीसी किससे कटेगा, चैट में बताओ, चलो चैट में लिख के बताओ, बीसी किससे कटेगा, बीसी किससे कटेगा मुझे बताओ जरा, इसका भी हैप्पी बर्थडे करना है मैंने, बीसी का हैप्पी बर्थडे करना है, बीसी किससे कटेगा,
एब्सोल्युटली करेक्ट, बीसी कटेगा ई एफ से, ये ई एफ है, बीसी विल गेट कैंसल्ड विद ई एफ वेक्टर, बीसी विल गेट कैंसल्ड विद ई एफ वेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। मैं यहां पे अलग से बता देता हूं, ये बीसी वेक्टर है, ये ई एफ वेक्टर है, ठीक है ना। बीसी और ई एफ जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आगे बेटा आप राजे हो, आगे आप बब्बर शेर हो, जो मर्जी करो जीवन में, लाइफ आपकी बेटा पूरी सेट हो चुकी है। अब आप देख लो क्या बचा, एक एडी, दूसरा एडी, तीसरा एडी, खत्म होगी बात। तो ये जो भी था, ये था 3 times एडी वेक्टर, और मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है, एडी को तुम लिख सकते हो, ये जो है, ये जो लेंथ है वो इस वेक्टर का, छोटे वेक्टर का डबल है, तो ट्वाइस ऑफ एओ वेक्टर, है ना। एडी वेक्टर जो होगा वो एओ वेक्टर का डबल होगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 6 AO वेक्टर, दिस कम्स आउट टू बी 6 AO वेक्टर। बेटा चैट में लिख दो, चक दे बेटे, ये होता है बच्चों का माइंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। यस सर, डन बच्चों, मजा आ गया, ठीक है ना। अभी तो मजा बाकी है, और इसी मजे के साथ मुझे ये बताकर बड़ी खुशी हो रही है, डन डना डन, ग्राफिकल मेथड डन, एकदम से बेटा ढोल बाजे बजा दो, फटाफट ढोल बाजे बजा दो, जरा जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एकदम ढोल बाजे बजा दो, ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया हमारा। मैं पानी भी पी लेता हूं। वाह, मजा आ गया ना, और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ एकदम माइंड को बढ़िया करने वाले, ठीक है ना। हाँ चलो आगे आ जाओ, अगला मेथड कौन सा आ रहा है, एनालिटिकल मेथड। बिफोर आई गो टू द एनालिटिकल मेथड बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूं एक कॉन्सेप्ट को जो हमारा अब बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है ना। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लूंगा, बिकॉज मुझे जहां तक आपको बिल्ड करना था मैंने कर दिया, अब आगे तो बेटा हलवा चीजें हैं, ठीक है। आ जाओ अब एकदम से पूरी स्पीड के साथ बच्चों, अगर आपके पास कभी भी दो वेक्टर्स हैं तो उनका एंगल हमेशा याद रखना, इट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड, ठीक है ना। ये पहले भी आपको बताया, कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपके सामने हैं, अगर आप इस अरेंजमेंट में एंगल निकालोगे, ठीक है ना, ए के हेड पे बी का टेल डाल दो, तो तुम्हें ये दो एंगल्स दिखेंगे, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ये अरेंजमेंट ही गलत है। जब भी दो वेक्टर्स का हमें सर एंगल निकालना होता है, हम उन दोनों को हेड टू हेड, टेल टू टेल जोड़ते हैं, टेल से टेल जोड़ने के बाद जो उनका एक छोटा एंगल होगा एक बड़ा एंगल होगा, छोटे वाला एंगल हमने लेना है, बड़े वाला हमने छोड़ देना है। सो इट इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल, ये लिखा हुआ है यहां पे, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, बड़ा होगा छोटा होगा व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड, है ना। हेड टू हेड मतलब आप इसी बी को पैरेलली शिफ्ट कर दो इधर, आप इस बी को पैरेलली शिफ्ट कर दो इधर, तो डेफिनेटली हेड टू हेड जुड़ने के बाद जो एंगल दिखेगा वो ये दिखेगा। यस सर। तो बच्चों अगर मैं उस अरेंजमेंट में हूं, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो अगर मुझे इस अरेंजमेंट में जाना है तो जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, ये बच्चों समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना। आप इसी बी को अगर इधर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो आप समझ रहे हो, और ये वाला सोच लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो अगर उस पोजीशन में हम वेक्टर रखेंगे तो जो हमारा एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। यस सर, ठीक है ना। तो ए और बी का अब एनालिटिकल मेथड, अब एनालिटिकल का मतलब अभी तक तो सिर्फ फोटो बना रहे थे, अब हम एग्जैक्ट लेंथ और मैग्नीट्यूड बताने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों, सुन लो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सुनो आराम से सर, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया, बी को ए के हेड पे रख दिया, बी की टेल को ए के हेड पे रख दिया, तो ए से बी के हेड तक हमें सर मिल जाएगा रिजल्टेंट आर वेक्टर, और रिजल्टेंट का बेटा जो मैग्नीट्यूड है उसे मैं आर कह देता हूं, ये लिखने का तरीका है, लेट आर वेक्टर का जो मॉड है उसे हम आर कह देते हैं, कहने का ढंग है। ए वेक्टर का जो मॉड है उसे हम ए कह देते हैं, बी वेक्टर का जो मॉड है उसे हम बी कह देते हैं, और थीटा है मेरा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, और ये जो लेंथ है ये मेरी बी है। बेटा मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, एग्जैक्ट लेंथ निकालनी है, निकाल लेंगे सर, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मेरी बात को सुनते जाओ बस, आप कुछ भी नहीं है, करने वाली बात हो चुकी है जो सिखाना था। सर यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, ये सर अभी आपने बताया ये ए की लेंथ है, दैट इज ए। बेटा क्या मुझे तुम लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो ये लेंथ कितनी है, क्या मुझे तुम चैट बॉक्स में बता सकते हो, कल मैंने कुछ सिखाया था, व्हाट इज दिस लेंथ, जल्दी बताओ, आई वॉन्ट एन आंसर।
यस वेरी गुड, बहुत बच्चों को इसका आंसर पता है, बहुत बच्चों ने टेंथ में किया होता है, बट टेंशन मत लो यार, अभी अभी सीखो बिल्कुल फटाफट। व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है जल्दी बताओ, बी कॉस थीटा, वेरी गुड वेल डन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेस नहीं, दिस लेंथ इज बी कॉस थीटा, बी का थीटा की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लोगे तो है बी कॉस थीटा, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा, और अगर ये बी कॉस थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली मेरा बन गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी को तोड़ लिया, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, अपन तुझे बेटा अलग से बता देते हैं, तुझे अलग से बता देते हैं, यहां पे अलग से कर ले, ये जो लेंथ थी ये बी थी, सोच के देखो, ये जो लेंथ थी ये बी थी है ना, ये एंगल अपना थीटा था, सोच के देखो यार है ना, ये बी थी है ना, ये थीटा था, तो हम एक काम करते हैं भाई फटाफट देख लेते हैं, ये लेंथ एक्स ले लो, ये लेंथ वाई ले लो, सर एक्स अपॉन बी, यहां पे अलग से लिख दो फटाफट, एक्स अपॉन बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कॉस थीटा, तो मेरे ख्याल से वो जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी बी कॉस थीटा, और ऐसे ही वाई अपॉन बी, समझ रहे हो, वाई अपॉन बी इज साइन थीटा, तो अगर आप बी को उधर ले जाओ तो जो वाई होगा वो होगा बी साइन थीटा, सो दिस इज बी कॉस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा, बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी बता दो, यस सर यहां तक क्लियर हुआ, बड़ा आराम से यार, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है उसे हम ले लेते हैं अल्फा, है ना, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसे हम ले लेते हैं अल्फा, है ना, डन, अब सुनते जाओ, बस खत्म होगी बात बेटा, ये लाइफ सेट है, अब ये आपका क्या बन गया एक, अरे भाई ये क्या बन गया, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, हाँ जी थोड़ा सा भी अगर तुम दिमाग लगाओ, ये लेंथ ए थी, ये लेंथ बी थी, है ना, हमने थोड़ा सा अपना सर दिमाग लगाया, ये एंगल सर हो गया थीटा, तो ये लेंथ आ गई बी कॉस थीटा, ये लेंथ आ गई सर बी साइन थीटा, और अगर आप थोड़े से भी प्यारे से टमाटर समझ रहे हैं सर, ये लेंथ अगर मेरी आर है, लेंथ अगर ये आर है, तो मेरे ख्याल से सर ये जो टोटल लेंथ हमें लेनी चाहिए, ये टोटल लेंथ जो होगी सर ये होगी ए प्लस बी कॉस थीटा, और मेरे भाई ये वाली जो लेंथ है दैट इज बी साइन थीटा, और गाइज मेरे ख्याल से यहां पे अगर सिंपल हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो वो किसके बराबर होगी, आपको बेस पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, यू नो दी बेस, यू नो दी हाइट, तो स्क्वेयर करके अगर एड करके अंडर रूट ले लें तो यू विल गेट ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है ना, दिस लेंथ का स्क्वेयर प्लस दिस लेंथ का स्क्वेयर का अंडर रूट, बेटा समझ में आ गया, बस खत्म हो गया यार, यही था हमारे पास, और कुछ था ही, है ना, चैट पे फटाफट बता दो, बिल्कुल बच्चों ने वैसे आंसर ही लिख दिया तो मैं आंसर फटाफट लिख ही देता हूं, तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, है ना, और मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा और यहां पे बेटा ध्यान दें, ये बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, मेरे भाई आप अगर बी कॉमन निकाल दो तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर आपका वन हो गया प्लस मेरे भाई टू ए बी साइन थीटा, टू ए बी साइन थीटा, दैट इज द रिजल्टेंट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, और इसी के साथ बच्चों इसी के साथ जो ये वाला एंगल होगा अल्फा, इस एंगल को भी आप निकाल लो लगे हाथ, अब है ना खत्म तो हो ही गया काम, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है मैग्नीट्यूड, ये आपको क्या दे रहा है मैग्नीट्यूड, आर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, एग्जैक्ट लेंथ हमने निकाली है, कॉमन सेंस है, और जो टैन अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, टैन अल्फा इज परपेंडिकुलर दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टैन अल्फा किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और ये वाला भाई क्या देगा, ये आपको क्या देगा डायरेक्शन, तो बच्चों बड़ी सीधी सी बात है ट्राइंगल लॉई है, ये ट्राइंगल लॉई दिस प्लस दिस, समझ रहे हो, है ये ट्राइंगल लॉई, एनालिटिकल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी एग्जैक्ट लेंथ निकालेंगे और उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना, तो याद कर लो इस रिजल्ट को, इसके बिना वेरी वेरी मतलब कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ भी फिजिक्स में इसके बिना नहीं कर पाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट एंड व्हाट इज टैन अल्फा दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और याद रखना अल्फा क्या होता है ये भी याद रखना, है ना, हाँ ये अल्फा ये भी याद रखना, मतलब अल्फा है ना, ये 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 फॉर्मूले में याद रखना, जो ये वाला होता है ना ए, इसके साथ एंगल अल्फा होता है, तो अल्फा एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ये भी मैं बता देता हूं, ये भी कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, आगे जाके आपको ये दिक्कत करेगा, अभी बता रहा हूं मुझे पता है कहां दिक्कत आनी है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए
ठीक है ना। तो जो ए होता है कभी क्वेश्चन में बताया नहीं होता ये ए है, तो जो तुम इस पर्टिकुलर लोकेशन में वैल्यू डालोगे ना वो ए है और उसके साथ तुम्हें जो एंगल है वो अल्फा मिलेगा, ठीक है ना। यस सर करेक्ट बात, करेक्ट बात, मजा आ गया बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू फैक्टर्स, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एनालिटिकल मेथड भी खत्म हो गया पर कुछ स्पेशल केसेस मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। रिजल्ट आपके सामने है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना, दैट इज द रिजल्टेंट, एंड tan अल्फा इज b sin थीटा / a + b cos थीटा। अब ये तो हो गया, लेकिन बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, हाँ जी समझ में आ रहे हैं, ठीक है। गलत हो गया क्या, गलत हो गया बच्चों, ठीक है, क्या दिक्कत है बताओ, कुछ गलत किया गया? अरे यार मेरे को क्या हो गया है, मेरे को क्या हो गया है, ए स्क्वायर, हाँ माई बैड बेटा, मैंने जान के किया था, मुझे चेक करना था बच्चे ठीक भी करते हैं कि नहीं। यस सर, हाँ गुल्लू गुल्लू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अरे पता है, ठीक है तुम सही कह रहे हो यार, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन कर लो तो है ना, ये इन दोनों में से तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे मेरे भाई आएगा कॉस थीटा। मैं बेटा जान के देखो बोल मैं ठीक रहा था, समझ रहे हो? अरे यार कहां गया, हाँ एक मिनट, चलता है यार कुछ नहीं होता, हाँ ये जान के गया था बेटा, इट वॉज अ पार्ट, हम मैंने कल बताया ना आपको लास्ट लेक्चर में बेटा, हम भी खेल जाते हैं, हाँ प्लस 2ab cos थीटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो बी साइन थीटा / a + b cos थीटा, डन है, समझ गए ना मुद्दे की बात, हाँ हाँ। एच के सर कोई कह रहे हैं, एच के कह रहा है बेटा डायरेक्शन समझ में नहीं है, बेटा ध्यान से देख, कोई नहीं, हाँ ध्यान से देख, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधी बात है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को जरा ऑब्जर्व कर, है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये पूरी लेंथ क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, और ये जो हाइट है वो है बी साइन थीटा, हाइट है बी साइन थीटा, तो मेरे ख्याल से जो tan अल्फा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही लिखा है बी साइन थीटा / a + b cos थीटा, डन डन, यस सर, ठीक है करेक्ट है बच्चों, आ रहा है समझ में, सबको क्लियर है, चमक रहे ना, चमक रहा है, ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब ऐसे ही बेटा एनालिटिकल मेथड में हमें सबट्रैक्शन सीखनी है, फटाफट सुन लो बस, फटाफट फटे तक देने हमने, ठीक है ना, ठीक है, हाँ 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 हाँ, डन। डायरेक्शन होता क्या है बेटा, अब ऐसे सवाल नहीं, अब देखो तुम बीच में से आ रहे हो सेशन के, अब पूछ रहे हो डायरेक्शन क्या है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वीडियो को शुरू से देखो, अगर लेट भी ज्वाइन किया हो ना तो तुम लाइव छटा पीछे चले जाओ, शुरू से वीडियो को प्ले करो, तब तुम्हें पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना, डन 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 डन, ठीक है, ओके चले बेटा आगे चले बेटा, जल्दी बताओ मुझे फटाफट, एक बार अंगूठे भेज दो, ये क्लियर है ना, दिस इज ऑल क्लियर, एनी डाउट इन दिस, ऑल क्लियर ना, यस सर जल्दी भेज दो, ऑल क्लियर, यहां तक सब सेट है, डीपीपी क्वेश्चंस करवाएंगे यार, डीपीपी का अलग से डिस्कशन होगा बेटा, मैं बता चुका हूं अलग से होंगे डिस्कशन, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, फटाफट भेज दूंगा उठे जरा, डन है ना, चलो ठीक है भाई, चलो चलो डन 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 डन, ठीक है, हाँ बाकी बेटा बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे हो नहीं सकते यूट्यूब पे, तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो vinay.survedantu.com पे मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आ जाओ फटाफट वेक्टर सबट्रैक्शन पे, अब इसके अंदर कोई दो राय नहीं लगनी, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना, तुम्हें पता है सर इन दोनों का हम सर अगर पैरेललोग्राम लॉ बनाए और अगर इन दोनों में सर एंगल थीटा है तो सर आपने हमें ये अच्छी तरह डिटेल में सिखा दिया कि सर ये जो रिजल्टेंट है ये आर वेक्टर है और इस रिजल्टेंट का जो सर मैग्नीट्यूड है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये करा दिया सर आपने, चक दे फटे, ये हो गया सर, क्लियर है। अब बेटा अगर मुझे डिफरेंस लेना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो डिफरेंस कैसे मिलेगा, ए वेक्टर में मुझे ऐड करना पड़ेगा माइनस बी वेक्टर, हम एडिशन ही करते हैं ना, अगर मुझे आर डैश वेक्टर बच्चों ढूंढना है इस दुनिया में विच इज ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे मिल जाएगा, ए माइनस बी को लिख सकते हैं, ए माइनस ए प्लस ऑफ माइनस बी, करेक्ट बात है सर, लिख सकते हैं, यस सर है ना, यस सर, यस और नो बेटा जल्दी बताओ, यस और नो है ना, करेक्ट बात है सर, करेक्ट बात है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तुम्हें ए और बी में एंगल थीटा पता है, ए और बी में एंगल थीटा पता है, करेक्ट बात है सर, मुझे पता है, ए और माइनस बी में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ए में माइनस बी जोड़ना है जोड़ देते हैं, लेकिन एंगल थीटा की बजाय
दो वेक्टर्स ए और बी, ध्यान से सुनो, दो वेक्टर्स ए और बी अगर मैं ऐड करूं जिनमें एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट ऐसे निकलता है। सर मुझे ए में माइनस बी जोड़ना है, जोड़ दे मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो इनका जो भी रिजल्टेंट निकलेगा, इनका भी पैरेललोग्राम लॉ अगर हम कंप्लीट कर दें, इनका जो भी रिजल्टेंट निकलेगा, ये वाली जो डायगोनल होगी इसे हम आर डैश कहते हैं। और भाई इस आर डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी? हाँ जी, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा अगर मैंने पलटाया है तो मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बी ही रहेगा, है ना। अगर इसकी लेंथ बी है तो इस भाई की भी जो लेंथ होगी वो लेंथ है ना, डायरेक्शन ही पलटी है, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। यस सर। तो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी cos of the angle between them and that angle is 180 minus theta। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, चमक रही है बात? A में minus b अगर मैं जोड़ दूं, A में minus b अगर जोड़ दिया जाए तो मेरे भाई जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो A और minus b का मिल जाएगा, और वो एंगल कितना लेना पड़ेगा अपने को? 180 minus theta। Yes sir। बेटा ये चमका नहीं चमका, जल्दी बताओ, ये काम की बात है, ये पहले सिखा दिया तुम्हें, पहले भी सिखा दिया, दोबारा फिर कर रहे हैं। ए और बी का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट ये लगेगा, कोई बात नहीं सर, समझ रहे हो। अब ए में माइनस बी जोड़ रहे हो, ऐड ही कर रहे हो, तो एडिशन का फॉर्मूला ही यूज करो, अलग से फॉर्मूला नहीं लेना, फॉर्मूला एडिशन का ही यूज करो। लेकिन इस बार जो एंगल है वेक्टर्स में जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, वो एंगल मेरा 180 माइनस थीटा है। लाइफ सेट है बेटा, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, समय के साथ ये बातें आपको पता लग जाएंगी कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो ये जो डिफरेंस निकलता है ये बड़ी शानदार बात है बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये माइनस टू ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। चक दे फटे बेटा। तो आपको जैसे ग्राफिकल मेथड में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया, मैंने एनालिटिकल मेथड में भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के फॉर्मूले बता दिए। तो ए और बी अगर ऐड करने हैं तो प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ए और बी अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो इट इज माइनस टू ए बी कॉस थीटा। यस सर। बच्चों जल्दी बताओ चैट पर लिख के, समझ में आ रहा है अपने को, है ना? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा जल्दी बताओ, चाक दे फटे फटाफट लिख दो। हाँ जल्दी बताओ बेटा, आ रहा है ना? यो यो यो, कोई कह रहा है सर मस्ती करा दो। अरे भाई पहले अभी पढ़ाई का टाइम है, मस्ती होगी बीच में, पढ़ाई के साथ मस्ती साथ साथ चलेगी। हाँ यही तो मस्ती है। हाँ ठीक है, चलो जय माता दी जय माता दी। चक दे फटे, अब बनी ना बात, अब बनी ना बात। हाँ तो मेरे भाई ये भी हो गया, ठीक है आपका ये भी हो गया, अब बस लाइफ सेट है बेटा, अब चल मारो। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो आर डैश है ये अगर पैरेलली शिफ्ट करोगे इट इज द सेकंड डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो द आर डैश वेक्टर, ठीक है डन बेटा। तो अब बेटा रेडी हो जाइए, ठीक है ना, वही वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसको पलटाया, पलटाने के बाद आपने जब ऐड किया तो आपको आर वेक्टर मिल गया, और जो डिफरेंस होगा वो होगा माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी, कर लिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट बड़े काम के हैं, अगले 10 मिनट बड़े काम के हैं। एनालिटिकल मेथड में कुछ स्पेशल केसेस हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, आराम से सुनिएगा। अब जो तुम्हें बताने वाला हूं ना, इससे तुम चैंपियन बन जाओगे वेक्टर्स की दुनिया में। बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को अटैक कैसे करना है तुम्हें अब समझ में आने वाला है, ठीक है, सुनिएगा आराम से। कुछ खास केसेस हैं बच्चों, याद रखना दिमाग में अपने, क्या क्या केसेस हैं अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट की। सबसे पहला केस बच्चों, रिजल्टेंट जो होता है वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है सर। इस रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सोच के बताओ। फॉर दिस आर टू बी मैक्सिमम, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? सर जब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है। तो जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, मेरे ख्याल से कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा हमारा 0 हो, तो जब हमारा थीटा 0 होगा तब रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। और बच्चों जरा सोच के बताना वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस 0 हो गया 1। अरे मेरे भाई ये मेरा क्या बन गया, जल्दी बताओ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ये तो तुम्हारा तो फेवरेट है 10th में,
ये तो हंसते खेलते आयो करते हुए, सो दैट इज ए प्लस बी का स्क्वेयर का अंडर रूट, और मेरे भाई ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए प्लस बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू बेटा तब मिलता है जब थीटा हमारा जीरो हो, और उस मैक्सिमम वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी। यस सर, जय माता दी, चक दे फटे चैट पे लिख दो बच्चों, चक दे फटे लिख दो चैट पे, आ रहा है ना, ठीक है ना। और अब जरा डायग्राम समझना, कैसा डायग्राम बनेगा। थीटा जीरो का मतलब समझ रहे हो, ये ए था, ये बी था, और ये वाला एंगल थीटा था। थीटा जीरो का मतलब समझ रहे हो क्या है, आपको इस वेक्टर को घुमाना है, इसको कम करना है, एंगल को कम करना है, और कम करो, और समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कब होगा ये सिचुएशन कब अराइज होगी, जब ए वेक्टर के साथ ही पैरेलल हो जाए बी वेक्टर, और मेरे ख्याल से जब दोनों, मतलब समझ रहे हो, जब बच्चे और टीचर दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा मेरे भाइयों टमाटरों, वो मैक्सिमम मिलेगा। बेटा जल्दी बता दो बेटा, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। उस केस में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और उनके मैग्नीच्यूड के बराबर। देखो ना, 3 + 2, 3 भी इधर लग रहा है बच्चों, 2 भी इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट कितना आएगा, वो 5 आएगा। यस सर, यस सर, ठीक है, डन। अच्छा अब फटाफट बता दो मुझे, आप ही बताओ मिनिमम रिजल्टेंट में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब समय नहीं लगाना, फटाफट मिनिमम रिजल्टेंट में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इफ द रिजल्टेंट इज टू बी मिनिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, यस 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 यस, जल्दी बताओ। 90 नहीं, 90 से भी, कॉस 90 हो गया जीरो, उससे भी छोटी हो सकती है, -1, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यस 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 यस, सो इफ इट इज, इफ कॉस थीटा इज नेगेटिव, दैट इज -1। बच्चों उस केस में जो थीटा होता है ये 180 डिग्री होता है। बच्चों देखो ये बड़े एंगल्स -1, ये सब आपको अरविंद डिटेल में मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे कि ये क्यों ऐसे होता है, अभी मैं उसके ऊपर समय नहीं लगाऊंगा, आपको प्रॉपर अच्छी तरह ये पता लग जाएगा। अभी आपने बस ये करना है कि इस वैल्यू को निकालना है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos theta आ गया बेटा -1, तो मेरे ख्याल से ये -2ab है, और मिनिमम रिजल्टेंट जो निकल के आया दैट इज a माइनस बी। और अब आप समझ सकते हैं, है ना, अब जरा सोच के देखो, जरा पिछली स्लाइड पे आओ जरा एक बार, है ना। अगर मुझे एंगल बढ़ाना है तो मैं इधर घुमाऊंगा, सोचो जरा, इस थीटा को अगर इंक्रीज करना है तो मैं इधर घुमाऊंगा, तो सोचो इतना घुमा लो कि एंगल बन जाए ये ए वेक्टर मेरे भाई, और इधर से मेरा भाई बन गया हमारा बी वेक्टर, इतना घुमा लो कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाए, और इस वक्त जो एंगल आएगा That is 180 degree. तो जो मिनिमम रिजल्टेंट क्रिएट होगा, मतलब समझ रहे हो, ए इधर सोच के देखो यार, एक तीर कमान इधर जा रहा है 5 से, एक सामने से आ रहा है 2 से, तो ये टक्कर हो रही है इन दोनों की, है ना, ये महाभारत छिड़ी हुई है, ये टक्कर हो रही है, तो बताओ जरा रिजल्टेंट कितना आएगा, ये इधर ए ये इधर बी, तो मेरे ख्याल से इस बात को तुम सहमत हो गए, जो नेट वेक्टर तुम्हें मिलेगा वो ए माइनस बी का मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इस बात को याद रखना अपने जीवन में कि जो रिजल्टेंट है वो सदा a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में आएगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी। यस सर, कम से कम बनेगा a माइनस बी, ज्यादा से ज्यादा बनेगा a प्लस बी, ठीक है, आ रहा है समझ में, यस और नो, यस और नो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मेरे पास एक वेक्टर है 3, एक वेक्टर है 2, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, तो मुझे तुम एक बात बताओ, मैं कौन सी वैल्यू कहां से कहां तक क्रिएट कर सकता हूं, जल्दी बताओ चैट पे लिख के, मजा आ गया ना, हलवा ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक वेक्टर का लेंथ 3 है, एक वेक्टर का लेंथ 2 है, तो इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू, क्या रेंज होगी जो आपको मिल सकता है रिजल्टेंट, यस 5 से 1, बिल्कुल। तो आप बेटा रिजल्टेंट जो क्रिएट कर सकते हो वो 1 से 5 के बीच में कर सकते हो, a माइनस बी से लेके, ये अलग से है ना, a प्लस बी के बीच में, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 3 और 2 का 1 बन सकता है, आपका आंसर होगा यस, 3 और 2 का 5 बन सकता है, आंसर होगा यस, 3 और 2 का 6 बन सकता है, आंसर होगा नो, 7 बन सकता है नो। अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 2 को 3 बना दो, 3 और 2 का नेट 3 बना दो,
यस, किसी एंगल पे निकल आएगा, समझ रहे हो ना। तो जीरो से लेके 180 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो आप क्रिएट कर लोगे, रेंज होगी 1 से 5 के बीच में, 1, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.5, सारी वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी 1 से 5 के बीच में, लेकिन 1 से छोटी और 5 से बड़ी नहीं होगी। यस सर, चक दे फटे बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज आपकी इसके बराबर है, ठीक है। कूल, वेरी गुड, सुपर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला देखिए, सी नेक्स्ट भी बहुत शानदार है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चों आपस में हम रख दें 90 डिग्री पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है, आप एक काम करिए, आप ये डायग्राम बनाओ, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके ए के हेड पे रख दो, और जो सर रिजल्टेंट होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है सर, ये मेरा बन जाएगा आर वेक्टर, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab cos 90, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, डन होगी बात। यस सर, तो अगर हम 90 डिग्री पे हैं रिजल्टेंट होगा, और ये वैसे ही बेटा आपका हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम आपको दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, डन। सेकंड केस डन, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यस सर। अब बेटा सुनना आराम से, अब ना इससे इंपॉर्टेंट ये जो भी बता रहा हूं कुछ नहीं है वेक्टर्स में, ठीक है। 5 मिनट मुझे कंसिस्टेंटली सुनना, मैं बार बार ये बात आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना, 5 मिनट मुझे कंसिस्टेंटली सुनना, इससे बाहर का कुछ नहीं है जो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है, आराम से सब बोर्ड पे। अगर बेटा दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ए और ए, मेरी बात को सुनो, इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी ए है, ये वेक्टर सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, हाँ इसकी लेंथ 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर इक्वल एंड दे आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, दे आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, इनका रिजल्टेंट निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो जो रिजल्टेंट होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड हम बाद में निकाल लेंगे, कॉमन सेंस से बता दीजिए ये एंगल कितना होगा, चैट पे लिख के, अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब सिमेट्री है, ये एंगल कितना होगा, चैट पे मुझे आंसर चाहिए इस चीज का। हर्ष भैया आपका नाम ले लिया, अब आपको बड़ी खुशी हो गई, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कितना होगा, यस। अरे मूर्खों 45, 90 थोड़ी है थीटा, यस थीटा बाय टू, अरे 45 नहीं मेरे भाई, थीटा बाय टू, हाँ अगर ये 90 होता थीटा तो, हाँ 90 होता तो 45 होता, बट अगर ये 30 डिग्री है तो 15 पे निकलता है ना, थीटा बाय टू, करेक्ट बात। रिजल्टेंट अब आपको निकालना है, ठीक है, लेंथ कितनी है, तो अब शुरू करते हैं बेटा, डायरेक्शन तो हो गई, मैग्नीट्यूड को पकड़ते हैं, मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा जल्दी बताओ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी भी ए है, ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ भी ए है, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी भी ए है इंटू कॉस थीटा। सर ये रिजल्टेंट सर निकल कर आ रहा है 2a² प्लस 2a² इंटू कॉस थीटा, तो सर ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा अंडर रूट ऑफ 2a² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, करेक्ट बात है सर। क्या सर ये आंसर कंप्लीट है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनते जाओ, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनकी जरूरत तुम्हें आगे जाके भी पड़ेगी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पता लग जाएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है, एग्जैक्टली साइंस रॉक्स, बिल्कुल बच्चे ने सही लिख दिया चैट पे,
वन प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और बच्चों वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, इसका एक्चुअली मतलब ये भी होता है, ये भी बता देता हूँ। वन प्लस कॉस थीटा को अगर मैं लिख रहा हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, इसका मतलब क्या होता है, कॉस के अंदर एंगल हाफ है और जो भी कॉस की वैल्यू आएगी वो उसका स्क्वायर करेंगे, समझ रहे हो। ये शॉर्ट वर्जन है, स्क्वायर अंदर लिख देते हैं, मतलब इसका क्या, कॉस थीटा बाय टू का स्क्वायर। बच्चों यस सर, चमक रहे, समझ में आ रहा है अपने को। बच्चों टमाटरों जल्दी बताओ, गुल्लू गुल्लू सो गए, उठ जाओ उठ जाओ, नींद नहीं करनी, हाँ जी जागो। यस सर हाँ हाँ करेक्ट बात है। तो मेरे भाई ये बल्ले बल्ले अब होने वाली है, ये बताओ, ये आ गया टू ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और वन प्लस कॉस थीटा को लिख दो टू कॉस थीटा बाय टू का स्क्वेयर, cos थीटा बाई टू का स्क्वेयर, वन प्लस कॉस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा बाई टू का स्क्वेयर। और मेरे ख्याल से अब बच्चों आपको दिख रहा होगा मैं आपको कहां ले जाने वाला हूं, ये वैल्यू कितनी निकल के आई है जल्दी बताओ, ये रिजल्टेंट कितना निकला, टू टू का अंडर रूट टू, ए स्क्वेयर का अंडर रूट ए, और बेटा cos थीटा बाई टू स्क्वेयर का अंडर रूट cos थीटा बाई टू, cos थीटा बाई टू। यस सर, बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जल्दी बताओ, चक दे फटे। तो ये जो रिजल्टेंट निकला इसकी लेंथ कितनी होगी, टू ए कॉस थीटा बाय टू। बच्चों मुझे एक बड़ी सी चैट में स्माइल चाहिए, ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। करेक्ट बात है ना। तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा, टू ए कॉस थीटा बाय टू, गॉट इट डन। ठीक है, ये कौन है, ये मेरा भाई आर है, ये मेरा भाई आर है, ठीक है, ये आर है, यस। अच्छा अब ओरल बता दीजिए, कितने बच्चे आर डैश को लिख सकते हैं ओरली, कितने बच्चे आर डैश को लिख सकते हैं ओरली, अगर डिफरेंस लेना होता तो कितना आता, जल्दी बताओ चैट पे लिख के, कितने बच्चे लिख देंगे जल्दी बता दो मेरे भाइयों, जल्दी बता दो मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू मुल्लू जल्दी, हां जी कितना लेता मैं, कहां फर्क पड़ेगा, अरे पकड़ लो यार, अरे पकड़ ली, यस। सर रिजल्टेंट में होता माइनस टू ए बी, हाँ माइनस टू ए बी कॉस थीटा, यहां आर डैश निकालते सोचो ना, और माइनस यहां आता वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ये वाला भाई उठाते टू साइन स्क्वायर, समझ रहे हो। तो मेरे भाई आर डैश की वैल्यू आती टू ए साइन थीटा बाय टू, सब हवा में हो गया। यस और नो, कितनों को जे चमका है मुझे एक बार अंगूठा दिल भेज दो फटाफट, माइनस आता डिफरेंस निकालता तो माइनस आता, बीच में माइनस टू ए बी कॉस थीटा, बस माइनस फॉर्मूला ये लगता टू साइन स्क्वायर, जिसको समझ में आ रहा है मुझे अंगूठा भेज दो, चक दे फटे बेटा, होगी जय माता दी, बल्ले बल्ले मेरे बबर शेर हो गए रेडी। यस सर। तो बच्चों अरे दिल लुट लिया, गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू यार, मजा आ गया आज तो। हाँ तो भाई बच्चों लाइफ हो गई है पूरी सेट, अगर हमारे वेक्टर्स थीटा एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 2ab cos थीटा by 2 और 2a cos थीटा by 2, और जो डिफरेंस होगा वो होगा 2a sin थीटा by 2। अब देखना जरा, अब लाइफ सेट है, अब मैं आपके सामने बेटा कंक्लूड कर रहा हूं चीजों को, ठीक है, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को। a और a मेरे भाई थीटा एंगल पे हैं, ए और ए मेरे थीटा एंगल पे हैं, और मेरे भाई अगर मैं इनका रिजल्टेंट ले लूं तो रिजल्टेंट कितना निकला, 2a cos थीटा बाय 2। यस सर, सर रिजल्टेंट अभी आपने निकाल के दिखाया, कितना निकला 2a cos थीटा बाय 2, और सर जो डिफरेंस निकाल के दिखाया ना सर आपने इन दोनों वेक्टर्स का, जो डिफरेंस निकाल के दिखाया दैट इज 2a sin थीटा बाय 2, 2a sin थीटा बाय 2, करेक्ट है सर, ठीक है। तो अब मेरे भाई जरा ना हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, सुनते जाओ। पहला केस तुम्हारे सामने मैं लेकर आ रहा हूं, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और 60 डिग्री पे हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो हमारे 90 डिग्री पे हैं,
है ना, करेक्ट बात है यार, देखते जाओ। और मेरे भाई दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो हमारे 120 डिग्री पे हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक की आ जाने वाली है तुम्हारे सामने, बिल्कुल सीरियस हो जाओ अभी स्क्रीन पे, ठीक है ना। डन है, डन है। बच्चों मुझे बताओ, अगर मुझे रिजल्टेंट देना होता तो कहने की कोई बात नहीं है, ये निकलता 30 डिग्री पे, ये रिजल्टेंट निकलता कितना सर 45 डिग्री पे, और ये वाला सर रिजल्टेंट निकलता कितना कितना सर 60 डिग्री पे। करेक्ट है, यस सर। बच्चों समझ में आ रहा है? डन डन, जय माता दी। ठीक है बेटा, ये जय माता दी बल्ले बल्ले करते रहा करो बीच बीच में, जैसे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। हाँ करेक्ट हो गई बात, ठीक है जी। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा। हाँ तो अब मेरे भाई ये देखना जरा, ठीक है, अब सुनना जरा बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब सुनना जरा आराम से। अगर थीटा को कर दिया जाए 60 डिग्री, सुनो, थीटा को कर दिया जाए 60 डिग्री तो ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, 2a cos, समझ रहे, r किसके बराबर होगा, 2a cos ऑफ 60/2, 30 डिग्री है ना। अगर ये रिजल्टेंट लेना है, अगर इस फॉर्मूले से निकाला जाए तो 2a cos थीटा बाय 2, थीटा कितने 60 डिग्री, 60 का हाफ कर दूंगा तो हाफ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2a cos 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो cos 30 किसको बराबर होता है भाई, जरा बताना, ये सर होता है रूट 3/2, और ये सर कितना आ गया जल्दी बताओ, ये आ गया रूट 3 है, कितना आ गया रूट 3 है। तो मेरे भाई ये वाली जो लेंथ थी, ये लेंथ निकल के आई है अंडर रूट 3 है, कितनी आई है रूट 3 है। अब ओरली बता दो फटाफट, ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, ये वाली दिस वन, ये कितनी आएगी जल्दी बताओ चैट पे लिख के, हाँ जी कितनी आएगी, यस सर रूट 2a, एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो दिस लेंथ विल बी अंडर रूट 2a, ये किसके बराबर आएगी रूट 2a, करेक्ट बात, यस सर जय माता दी, वो निकल के आएगी हमारी रूट 2a। कैसे, यहां पे कॉस के अंदर 90/2 डाल दो यार, मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें कैलकुलेशन दिखी नहीं होगी, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा 2a cos थीटा बाय 2, इसको पकड़ो बस, थीटा बाय 2, थीटा 90 है, थीटा हमारा ओरिजिनल एंगल है, बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 45, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ गया मेरा भाई, ये आ गया 45, और cos 45 होता है 1/√2, तो मेरे भाई ये आपके पास आ जाएगा रूट टू ए, सो दिस इज इक्वल टू रूट टू ए, ठीक है ना। और इसी तरह बच्चों अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ, बताओ जल्दी बताओ फटाफट, कहां गया, हाँ जी, अरे यार एक सेकेंड, हाँ जी जल्दी बता दो भैया चैट में, हाँ जी इधर बताओ, इधर कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट, आई वांट एन आंसर, ए यस 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 यस। अब बनी ना बात मेरे टमाटरों, तो ये जो लेंथ निकल के आएगी ये ए आएगी, क्यों, क्योंकि जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो 2a cos, हाँ जी एग्जैक्टली करेक्ट बेटा, मैं बस तुम भाई छा गए आज तो, तुम cos ऑफ 120/2 बन जाएगा cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो रिजल्टेंट इज ए, रिजल्टेंट इज ए, यस 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 यस, ठीक है, यस एग्जैक्टली पुलकित जो सोच रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहा है, वैसे भी कर सकते हैं, डन 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 डन, आग लगा दी आग। अच्छा अब बताना जरा, अब बेटा होने वाला है असली घमासान, अगर मैं ये डिफरेंस लेता तो ये कितना आता, चैट पे लिख के बताएं, अगर ये डिफरेंस लेता तो ये कितना आता, आर डैश निकालता, आर डैश किसके बराबर है 2a sin ऑफ थीटा बाय 2, सोचो जरा sin ऑफ थीटा बाय 2, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 का हाफ करता कितना आता सर साइन 30, साइन 30 क्या होता है सर 1/2, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आती, ए आती, आर डैश की वैल्यू कितनी आती, ए आती, यस, तो ये लेंथ निकलती ए। बच्चों ये लेंथ निकालना, साइन 90/2 साइन 45 वो रूट टू ही होता है 1/√2, से ये रूट टू ए ही निकलती, और मेरा कोई भी टमाटर अगर ये वाली लेंथ निकालता तो ये कितनी निकलती जल्दी बताओ, ये लेंथ कितनी निकलती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साइन थीटा बाय 2, थीटा है 120, आर डैश किसके बराबर आता 2a साइन ऑफ 120/2, तो साइन 60, तो रूट 3/2, तो ये आता आपका रूट 3a, ये आता आपका रूट 3a। और बेटा मैंने पेन रख दिया साइड पे, पेन रख दिया साइड पे, समझ में आया पहले बताओ आराम से, यस ये चाहिए, ये चाहिए गाइस, इससे बेटर डायग्राम
इससे बेटर कंसेप्ट ये बता लो। मैंने तुम्हारे सामने ना वेक्टर्स की आत्मा स्क्रीन पे रख दी है। दिस इज द सोल ऑफ वेक्टर्स, दिस इज द वे वी डील विद वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स आपके डील होते हैं, इस तरह से वेक्टर डील किए जाते हैं। डन, चक दे फटे बेटा। यस यस गाइस, यस 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 यस। नाउ गाइस सी, हैव दिस इमेज क्लियरली, एक बार दिमाग में छुपा लो इस इमेज को जरा, ठीक है ना। बब्बर शेर बन गए अब तुम, बब्बर शेर। तो ऑल ऑफ यू आर नाउ बच्चों बब्बर शेर। इस इमेज को अपने सामने आंखों में छाप लो, ठीक है, आंखों में छाप लो। अगर रिजल्टेंट, साथ साथ चैट बॉक्स में बेटा पेलते जाना, अगर रिजल्टेंट 60 डिग्री पर होता तो रिजल्टेंट, सॉरी, अगर वेक्टर्स का एंगल 60 डिग्री होता तो रिजल्टेंट होता रूट थ्री ए, डिफरेंस होता ए। अगर 90 डिग्री एंगल होता तो रिजल्टेंट भी रूट टू ए, डिफरेंस भी रूट टू ए। और 120 डिग्री, ये वाली जो कन्फिग्रेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर वेक्टर्स हमारे 120 डिग्री पर होते, अगर 120 डिग्री पे होते तो रिजल्टेंट ए ही बनता। मतलब मैं तुमसे बोल लूं 3 और 3 का रिजल्टेंट 3 ही बन जाए, वैसे बनेगा मैक्सिमम 6 मिनिमम 0, लेकिन 3 और 3 का रिजल्टेंट 3 ही बन जाए, ए ही बन जाए, तो एंगल होगा आपका 120 डिग्री और उस वक्त जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा रूट 3 है। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर बेटा, चैट में ना मुझे एकदम से आग चाहिए, वो एनर्जी चाहिए। ये जो है ना, दिस इज द सोल ऑफ वेक्टर्स। ये डायग्राम जो तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये वेक्टर्स की आत्मा है। और अब आप देखना जिसके दिमाग में ये डायग्राम छपा है ना, कैसे धुएं में क्वेश्चन निकालेगा वो भी। अभी हम अगले 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, मेरी बात को सुन लो, अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 5 मिनट में कर लेंगे अगर ये डायग्राम अपने साथ चिपका रह गया। ठीक है, डन बच्चों। फ्रॉम माई साइड दिस डायग्राम अगेन, 60 रूट थ्री ए, रूट टू ए, रूट टू ए, रिजल्टेंट इज ए, डिफरेंस इज रूट थ्री है, ठीक है ना, डन होगी बात। ठीक है, अब आ जाओ बेटा शुरू, स्लाइड्स तुम्हें मिल जाएंगी और क्वेश्चन टाइम अब शुरू होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन टाइम अब शुरू होने वाला है। अब बेटा बस लग जाओ, अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट, देखिए मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर 17 and 7। मेरे ख्याल से हर बच्चे के दिमाग में चमक गया होगा, a प्लस बी 17 है, मैक्सिमम है, और मिनिमम रिजल्टेंट जो हो सकता है वो a माइनस बी है, और सर वो कितना है? सर 7। और आपसे क्या पूछा गया है? इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, अगर ये वेक्टर्स राइट एंगल पे होते, a और b वेक्टर अगर राइट एंगल पे होते तो रिजल्टेंट कितना होता? मेरे ख्याल से ये सवाल तो देखते ही बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि सर इस केस में अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होता है। और मुझे बड़ी खुशी है, आंसर भी बच्चों ने दे दिया है चैट में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस दो वेरिएबल, दो इक्वेशनों से ए बी की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं सिंपली एड कर दूं तो 2a की वैल्यू यहां पे आ रही है 24, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12। इस a की वैल्यू मैं ऊपर फिल कर देता हूं, b आ जाएगा बेटा मेरे पास 5, तो a प्लस बी का अंडर रूट, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 13। चक दे फटे, चैट पे लिख दो, आंसर हो गया सॉल्व। अब देखना, मैं वही बता रहा हूं, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई बच्चा अब सुस्ती ना मारना। दिस वॉज द मूवमेंट जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, यही वो मूवमेंट थी जिसकी वेट की जा रही थी। ठीक है, डन, चक दे फटे, चक दे फटे। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ए और ए 60 डिग्री में है, रिजल्टेंट कितने है? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, फटाफट बता दो। और ऐसे ए और ए 90 डिग्री में है, रिजल्टेंट कितना है? जल्दी बता दो, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर। एकदम फ्लड आ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जानी चाहिए चैट के अंदर, चैट फट जाए आज तो, कुछ ऐसा हो जाए बस। जल्दी, ए और ए 60 डिग्री में है, रिजल्टेंट कितना है? जल्दी बताओ बच्चों। एब्सोल्युटली करेक्ट, द रिजल्टेंट इज रूट थ्री ए, द रिजल्टेंट इज रूट थ्री ए। और 90 में होंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा? सर रूट टू ए। कुछ सोचने वाली बात नहीं है सर, अभी किया हमने, अभी किया, रूट थ्री एंड रूट टू ए। अब बताओ, ए और ए अगर 120 डिग्री में है, जल्दी बच्चों चैट में फ्लड आ जाए, जल्दी बस चक दो फटे। हाँ जी,
ए और ए अगर 120 डिग्री में है रिजल्टेंट, यस गाइस यही चाहिए एनर्जी मुझे। अरे कहां चला गया मैं इस एनर्जी में एंगल गलत बनाई जा रहा हूं। हाँ तो भाई यही चाहिए बच्चों, रिजल्टेंट 120 पे ए ही होता है, और ये अगर ए नीचे ले जाओ तब भी एंगल 120 है, फर्क क्या पड़ता है, तो बस मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा, ए ही आएगा। 120 आंसर इज ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ बच्चों आप सबने अब एक काम करना है, अगली जो स्लाइड आने वाली है ना वो ये है। पेन छोड़ दो, विनय सर ने भी छोड़ दिया, सब बच्चे पेन छोड़ दो, पेन फेंक दो नीचे, पेन किसी ने उठा लिया ना मुक्का मार देना मैंने पकड़ के, हाँ मुक्का मार दूंगा, सच्ची कह रहा हूं, पेन छोड़ दो, ठीक है, डन, यस पेन छोड़ दो, ओरल आंसर करेंगे, लेट्स सॉल्व द इक्वेशंस विदाउट पेन, नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 क्वेश्चंस, यस ठीक है, पेन पेंसिल जो छोड़ना है छोड़ दो। क्वेश्चन आपके सामने, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यस, का जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू सम ऑफ, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है, तो एंगल कितना होगा, चक दे फटे 0 डिग्री, मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स, तुमने नहीं यूज करना, बस मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, the magnitude of resultant of two vectors is equal to difference of their magnitude, jo resultant ka magnitude hai wo difference ke barabar hai, what is the angle between the vectors, yeah kya baat hai putar, chak de phate bilkul 180 degree, yes ye energy chahiye chat mein। agla sawal, next question main wahi bata raha hu ab aapko, bas wo figure dimag mein hogi na kaise honge, the magnitude of resultant of two vectors is equal to, बेटा ये थोड़ा सा मिट गया, मैं लिख देता हूं, √3 लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उनका जो रिजल्टेंट है वो √3 टाइम्स है, एंगल कितना होगा, चक दे फटे जल्दी बेटा, अभी भी गलत जवाब दे रहे हो यार, यस 60 डिग्री, यस ये फिगर दिमाग में आनी चाहिए, अगर ए और ए अगर 60 डिग्री पे आ जाए तो मेरे भाई जो रिजल्टेंट निकलता है जय माता दी करके, आप उसको √3 ए लिख सकते हैं, डन चक दे फटे, डन 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ √2 टाइम्स देयर मैग्नीट्यूड, आंसर बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और रिजल्टेंट √2 टाइम्स है, रिजल्टेंट √2 टाइम्स है, एंगल कितना होगा, दिमाग में इमेज बन रही है, यस द आंसर इज 90 डिग्री, द आंसर इज 90 डिग्री, ये तभी होता है जब 90, ये याद है ना, ये और ये अगर 90 डिग्री पे होंगे तो मेरे भाई डेफिनेटली जो रिजल्टेंट निकलेगा वो √2 टाइम्स ही निकलेगा, है ना, यस सर चक दे फटे क्या बात है, अरे यार अगला किसी दिखा दिया तुम्हें, हाँ चलो अगला करो, ओरल, द रिजल्टेंट ऑफ, कोई बात नहीं बने रहो सेशन के अंदर, बस द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब ए और ए का रिजल्टेंट ए ही है, और ये कब होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये जब होता है एंगल हमारा 120 डिग्री हो, गाइस दिस इज व्हाट आई नीड, वेरी गुड, ठीक है ना, अब गियर अप कर लो और कुछ नट टाइट कर लो और नजारे आने वाले हैं, ठीक है, हाँ एक और नजारे आने वाले हैं, नट टाइट कर लो, ठीक है, चलो लेट्स गियर अप, अगला सवाल, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, find the angle between vectors, the magnitude of difference of two vectors, दो vectors का जो difference है उसका magnitude vector के magnitude के बराबर है, yes 60 degree, well done guys, ये A है, ये A है, मैं ले लेता हूं, मैं तुम्हारे लिए पेन ले लेता हूं, तुमने पेन नहीं यूज करना, तुमने ऐसे ही करना है ना, ये कुछ जो टमाटर मेरे थोड़े बहुत अगर घर पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए लिख रहा हूं बस, ये है ना, ये A और A है, तो मेरे भाई ये जो लेंथ होगी ये होगी √3 A, और डेफिनेटली मेरे भाई जो ये वाली लेंथ होगी जो डिफरेंस होगा वो A होगा, तो डिफरेंस A के बराबर हो उसके लिए एंगल जो चाहिए वो चाहिए 60 डिग्री, वाओ व्हाट एन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स देयर मैग्नीट्यूड, जो डिफरेंस है वो √2 के बराबर है,
जो डिफरेंस है वो रूट टू के बराबर है, तो एंगल कितना होगा जल्दी लिख दो चैट में। यस, अरे अभी भी तुम बोले जाओगे हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। यस गाइस यस, ये एनर्जी चाहिए, शाबाश। इसका जवाब दो जरा, इसका जवाब दो। अगर ए प्लस बी, देखो ये जितनी इन्वेस्टमेंट तुम्हें की है ना, जो इन्वेस्टमेंट तुम्हें दिया अब उसका रिटर्न मिल रहा है, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है, अगर ए प्लस बी का मॉड, सुनो ध्यान से, ए प्लस बी का मॉड ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ये इक्वल है। ये कब होता है, ये कब होता है, डिफरेंस और सम की लेंथ इक्वल। यस, ये सेम, ये पिछला क्वेश्चन ही है ये पिछला क्वेश्चन ही है, ये ए और ए है ना, ये दो वेक्टर्स का जो सम है ना, दो वेक्टर्स का जो सम, समझ रहे हो, ये ए प्लस बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, लेंथ जरूर सेम है लेकिन वेक्टर अलग अलग हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका जो सम होगा उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और ये एक ही बच्चों कंडीशन होती है, ये एक ही कंडीशन होती है, वो तभी होती है जब एंगल हमारा 90 हो, ठीक है ना बच्चों। देखो वैसे इस क्वेश्चन को तुम करोगे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये ए और बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। थ्योरेटिकली कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे सर। और ए और बी माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आप दोनों तरफ स्क्वेयर करो, ए से बी काट दो, सॉल्व करो, कॉस थीटा जीरो आ जाएगा। जब कॉस थीटा जीरो आएगा तो थीटा 90 होगा, वैसे भी दे सकते हो फिगर से तो बहुत जल्दी निकल आएगा। डन डन गाइस, अगले का जवाब दो। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ थ्री वेक्टर्स इज रूट थ्री टाइम्स देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताया जाए। हाँ जी जल्दी, है ना, जो डिफरेंस है वो रूट थ्री के बराबर है। आंसर इज डी। यस 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 गाइस, ये एनर्जी चाहिए चैट में। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए और ए, और ये मेरा भाई जो एंगल था ये था मेरा 120 डिग्री। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर समझदार हैं, रिजल्टेंट ए है लेकिन डिफरेंस की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी मेरी कितनी, रूट थ्री है। सो आंसर इज 120। ठीक है, तो देखो कितने क्वेश्चंस बच्चों बिना पेन उठाए किए हैं, कितने सवाल बिना पेन उठाए किए हैं आपने। ठीक है, बेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री, ठीक है, और इसका जवाब मेरे टमाटर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आज रात को ही देना, आज रात को ही देना। वैसे तो काफी बच्चों ने भी पढ़ते पढ़ते ही कर लेना है। द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो यूनिट है। द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, मतलब दो वेक्टर यूनिट हैं, उनका रिजल्टेंट भी यूनिट है, रिजल्टेंट भी यूनिट है ना, तो डिफरेंस किसके बराबर होगा। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, बट मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं अरे यार दिख ही गया तुम्हें, अरे चलो दिख गया तो मैं बता ही देता हूँ यार अब तो दो, अरे यार मैंने क्यों स्लाइड डाली, वो लोल हो गया बेटा, लोल हो गया तो दो वेक्टर्स हैं जो यूनिट हैं, ये दिमाग में डायग्राम चमक रहा है ना, देखो कितना मस्त है ये। दो वेक्टर हैं जो यूनिट हैं, वन और वन, अगर आप उन्हें 120 डिग्री पे रख दोगे, 120 डिग्री पे अगर रख दोगे तो मेरे भाई उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी यूनिट होगा, उनका रिजल्टेंट भी यूनिट होगा, वो भी वन होगा। तो उस केस में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जो डिफरेंस होगा वो रूट थ्री होगा। बेटा मैं वैसे कह रहा हूं, वैसे अगर तुम इसे सॉल्व करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर ये पंच जो होगा ना दिमाग में मतलब कंसेप्ट का, तो वैसे ही चक दोगे फटे, ठीक है ना, चक दोगे फटे। तो रूट थ्री इज द करेक्ट आंसर। डन डन बच्चों, ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब इसी के साथ गाइस इस क्वेश्चन में, हाँ इसी के साथ हमारा हो गया खत्म, बस अब बस 10 मिनट की बात और बची है, वी आर डन फॉर टुडे, है ना, हाँ आज का हो गया है। तो अब बस 2 मिनट और मैं आपके लेना चाहूंगा, आराम से सुनना जरा। एक वेक्टर होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत सीधी सी बात है। देखो पॉइंट ए से एक वेक्टर अगर मैं लूं ओरिजिन से, तो वो वेक्टर बच्चों कहलाता है आर ए वेक्टर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, व्हाट इज आर ए वेक्टर, आर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मेरा आर ए वेक्टर होगा। यस सर, बेटा एक सेकेंड, ये क्या हुआ, एक सेकेंड बच्चों, ये कुछ लोल हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा बाहर आ गया मैं,
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दोबारा स्वैप किया, एक सेकंड दीजिए जरा बच्चों मुझे, एक सेकंड, ये थोड़ा सा, ठीक है, हाँ जी डन है, डन है, सेट है भी, सेट है, ठीक है। इसको पॉइंट ओरिजिन से वहां तक जाने का जो वेक्टर होता है दैट इज आर ए वेक्टर, ऐसे ही बच्चों ओरिजिन से पॉइंट बी तक जाने का, ओरिजिन से पॉइंट बी तक जाने का जो वेक्टर होता है उसे मैं बोलता हूं आरबी वेक्टर, और आरबी वेक्टर कौन होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरा आरबी वेक्टर है, ठीक है। डन, ए और बी के बीच में बच्चों एक हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उस वेक्टर का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट वेक्टर, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, ये डी वेक्टर किसके बराबर होगा, सोच के बताओ, ये आर ए है, ये डी है, तो आर ए में अगर डी जोड़ दो, सोच के देखो जरा, फील आ रही है नहीं आ रही है, आर ए वेक्टर में अगर मैं डी वेक्टर ऐड कर दूं आर ए प्लस डी, तो बच्चों मेरा बन जाएगा आर बी वेक्टर, करेक्ट बात। और आर ए को अगर मैं उधर ले गया तो डी वेक्टर की वैल्यू आएगी आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, यस और नो, यस और नो, समझ में आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मैंने क्यों बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। डन ना डन, समझ में आया बच्चों, आरबी वेक्टर में से वैसे ही सोच लो यार, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जय माता दी, ठीक है ना। तो भाई बात होगी बेटा खत्म, और ये एक प्यारा सा लल्लू सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम एक मिनट लगा भी लेते हैं, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा भी सोचें, आपके पास एक पॉइंट है 1, 2, 3 और आप उस पॉइंट से एक और पॉइंट पे बच्चों गए, सुनो आप मेरी बात को, 4, 5, 6, ठीक है ना। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, पॉइंट ए तक जाने का जो वेक्टर होगा वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए आर ए वेक्टर, और आर ए वेक्टर को बेटा अगर आप लिखो, आर ए वेक्टर किसके बराबर होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आर ए वेक्टर हो गया, डन है, पॉइंट ए तक जाने का वेक्टर है ना। ऐसे पॉइंट बी तक जाने का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो होगा सर आर बी वेक्टर, और अगर बेटा मैं आर बी वेक्टर की वैल्यू ले लूं तो दैट इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, डन है सर, ये भी हो गया। सर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सर चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर, हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज डी वेक्टर। और बेटा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डी वेक्टर, तो डी वेक्टर इज नथिंग दैट इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो अगर बेटा मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, डी वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस होल थिंग्स कम्स आउट टू बी 3√3, दिस होल थिंग्स कम्स आउट टू बी 3√3। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, यस सर, यस सर। बेटा आपका जो एग्जाम होता है ना वो 3 घंटे का होता है जेई मेंस का, और आपको जेई एडवांस में भी 3 घंटे बैठना है, ठीक है ना। तो बैठने की हैबिट आप रखें, टॉपिक खत्म होगा अब चाहे वो 2 घंटे में हो, चाहे वो 2.25 में हो, चाहे वो 2.5 घंटे में हो, ठीक है। हाँ, फाइनल पेपर 3 घंटे का है, तो तीन क्या पेपर में ब्रेक लेते हो, चैट पे लिख के बताओ मुझे, डू वी टेक अ ब्रेक इन दी, मतलब पेपर जब पेपर चल रहा होगा जेई मेंस का तब ब्रेक मतलब जाओगे, इवन वॉशरूम भी जाओगे मैं अगर आपसे पूछूंगा, एक एक मिनट की इनकी, तो 3 घंटे नॉन स्टॉप बैठने की तो मिनिमम सिटिंग चाहिए। हमने 2 घंटे कमिट किया है, 15 मिनट पहले भी हो सकता है, 15-20 मिनट आधा घंटा ऊपर, मैं कितना ऊपर हो गया हूं वैसे देख लूं, 15 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, 15 मिनट्स में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। बट वी विल कंप्लीट द टॉपिक, टॉपिक बस थोड़ा सा रह गया, कुछ भी नहीं बचा है ना। तो ये कितना आएगा हमारा 3√3। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर लिया, फाइनल पोजीशन वेक्टर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर कर लिया, ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सर हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है ना, इसमें क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, जिसको हम कहेंगे डी कैप, तो डी कैप किसके बराबर होगा, डी कैप किसके बराबर होगा, डी वेक्टर को मॉड ऑफ डी से आप डिवाइड कर दो,
तो व्हाट इज डी वेक्टर, ये समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपके पास मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट थ्री, दैट इज बाय रूट थ्री, ठीक है। तो डी कैप भी हो गया आपका, यूनिट वेक्टर भी हो गया, कर लिया आप लोगों ने। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिए। और अगला आपसे पूछा गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, जल्दी बताओ। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, सुना होगा ना ये भी हम पढ़ेंगे, ऑफिशियली भी पढ़ेंगे इसको। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरे भाई, थ्री रूट थ्री अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल टाइम, दैट इज टू, एंड आंसर इज इन मीटर पर सेकेंड। तो कहने का बच्चों तात्पर्य ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपसे पूछा जाता है। यस सर, जल्दी बताओ बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नजारे आ रहे हैं, जल्दी बताओ नजारे आ रहे हैं। तुमने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया, मैं देख रहा हूँ पूरा बेटा, दो घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला नहीं तो तुमने किया नहीं, तुम भी बड़े शेर हो यार, अलग ही लेवल के है ना। यस सर, ओके। रचना, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमारे सारे फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट के होते हैं, ठीक है ना। एज सच डिस्टेंस का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता, वो तो एग्जैक्ट इस केस में अगर मैं सीधा गया हूं तो पाथ लेंथ वही है, ठीक है ना। हाँ यस सर, लाइट, हाँ वेरी गुड, हाँ कहूंगा तो करोगे, वैसे नहीं करोगे, अलग ही लेवल के टमाटर हो तुम लोग, है ना। तो बच्चों मेरे ख्याल से लाइफ आपकी पूरी सेट है, एवरेज वेलोसिटी हो गया, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एवरीथिंग इज डन। तो दिस इज जस्ट क्या कहना चाहता हूं मैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। और आपको ये बात समझ में भी नहीं आई बच्चों, ठीक है बच्चों, ये अब देखना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये ए बी लेंथ है, सुनो, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, आपको इनके बीच की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। ये लेंथ 3 मीटर है, सोचो ये लेंथ 4 मीटर है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप होमवर्क है, इसको आप आराम से करिएगा, आपको मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ठीक है ना, ये 75 डिग्री है। डन डन, ठीक है डन, आ रहा है टमाटर समझ में, ठीक है। 4, 3, 15, 75, चैट में मुझे इसका आंसर लिख के दीजिएगा, और मैं एक मिनट इसको ब्लॉक कर लेता हूँ ताकि तुम्हें आंसर अभी नजर ना आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा ब्लॉक कर लेता हूँ, फटाफट अपन आगे जा। हाँ हाँ चलो ठीक है, चलो चलो, मैं भी बड़ा तेज हूँ, ठीक है, चलो भैया मैं भी बहुत तेज हूँ, मैं भी बहुत तेज हूँ, ठीक है चलो। अच्छा अब इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। अरे विनय सर भी बड़े प्लेयर आदमी है। अच्छा इसका आंसर दे, ये बड़ा अच्छा यार, यार ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, that the resultant of two vectors is more inclined towards bigger vector. जो resultant होता है ना वो bigger vector की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, समझो। एक vector बेटा मैं तुम्हारे सामने ले लूं, ये a vector, एक vector मैं ले लूं ये छोटा सा b vector, कुछ नहीं करना, ज्योमेट्री से बस दिमाग में रखना है, it is a statement, ठीक है ना। एक वेक्टर बहुत बड़ा है, एक वेक्टर बहुत छोटा है, तो मेरे भाई इसका जो रिजल्टेंट होगा, सोच के बताओ वो किसकी तरफ ज्यादा होगा, सोच के बताओ। ये एंगल छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिगर से पता लग रहा है तुम्हें। तो जो बड़ा है रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। तो ये स्टेटमेंट बस समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, वो ज्यादा झुका होगा बड़े वेक्टर की तरफ, टुवर्ड्स दी बिगर वेक्टर। बच्चों यस सर, चैट पे लिख दें चक दे फटे, चैट में लिख दें चक दे फटे, ठीक है जी, डन बच्चों। और मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि एनालिटिकल मेथड भी हमारा समाप्त हो गया है, और चैट में बेटा आग लग जानी चाहिए, आग 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 लग जानी चाहिए। यस सर, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा जल्दी बताओ, आ रहा है, आग लग रही है। एनालिटिकल मेथड भी पूरा हमारा डन डना डन हो गया है। Yes, guys, ये चाहिए बस मुझे, बल्ले बल्ले चाहिए, चला जल्दी जल्दी बल्ले बल्ले बाजे एकदम पटाके। तो देखो क्या किया हमने, हमने किया सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल के खुद 3 तरह थे, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन। फिर क्या किया हमने, एनालिटिकल मेथड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ढेर सारे क्वेश्चन जो ओरली किए। फिर क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, भर भर के सवाल किए, और अब लास्ट जो बचा है दैट इज एडिशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, है ना। और बच्चों मुझे लगता है ये मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हें यही करवा दिया है इस क्वेश्चन में, तो अब इतना टाइम तो लगना ही नहीं है, है ना। ये बेटा फटाफट मैं आगे ही आ जाता हूं, मैं कुछ सॉरी दिखा दूंगा तुम्हें। हाँ तो ये देख लो जरा आप, तो मैं अगर एक वेक्टर को आई जे के में लिख दूं, अगर मैं वेक्टर को आई जे के में लिख दूं तो उनका सम क्या होगा बताओ, सीधी बात है, सम क्या होगा, आई वाले कॉफिशियंट्स ऐड हो जाएंगे, जे वाले कॉफिशियंट्स ऐड हो जाएंगे, ए वाई बी वाई में ऐड हो गया,
ए जेड बी जेड में, ये तो कॉमन सेंस ही है ना यार, मतलब आई को आई में जोड़ दो, जे को जे में जोड़ दो, के को के में जोड़ दो। और ऐसे ही बच्चों अगर ए माइनस बी लेना हो तो आप देखो जरा कॉफिशियंट्स आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए आई वाला ए माइनस बी आई कैप, कॉमन सेंस है, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, ए जेड माइनस बी जेड जे कैप। तो मतलब एक्चुअली में जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, हमने यही यूज किया था। तो इसमें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, एंड दिस इज द पंच ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा पंच है। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें ए वेक्टर ये दे दूं, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, और अगर बेटा मैं तुम्हें बी वेक्टर ये दे दूं, माइनस थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस एट के कैप, अगर ये तुम्हें मैं बी वेक्टर दे दूं, और तुमसे अगर मैं पूछ लूं भैया ए प्लस बी वेक्टर बता दो, तो ए में अगर बी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस टू आई प्लस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप, तो ये मेरा आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिख रहा है ना आपको, इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस टू प्लस फोर माइनस फोर के कैप। और यही अगर बेटा मैं आपसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछूं तो बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। ए में अगर बी माइनस कर दूं तो वन में से माइनस थ्री माइनस कर दो, ये आ जाएगा फोर आई कैप माइनस एट जे कैप माइनस टू माइनस सिक्स, और ये अपने पास आ जाएगा आपके पास ट्वेल्व के कैप, ये अपने पास आ जाएगा ट्वेल्व के कैप। यस सर, आ रहे समझ में, कौन पूछ रहा है अपने को? हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है इलेवंथ के सिलेबस में वेक्टर्स है, बेटा मैं यहाँ पागल हूं, मैं बिना सिलेबस के पढ़ा रहा हूँ, कड़ी चौल बनाना सिखा रहा हूँ तुझे मैं, नॉनसेंस आदमी है, वेक्टर है बता, मैं ऐसी करा रहा हूं बिना सिलेबस की? यस सर, यस सर, नहीं नहीं बस क्लास होगी 10 मिनट में खत्म हो रही है, चिंता मत करो, है ना। तो चलिए बस भाई डन है तो हाँ ठीक है, तो आप ऐड करेंगे आ जाएगा, और यही बेटा आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा, अब इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आईजेके की एडिशंस है, सिंपल ये भी आपका आईजेके वाला क्वेश्चन है। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू, लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डन टुडे, लेट्स समराइज। सो गाइस सबसे पहले क्या किया, वी हैव डन ट्राइंगल लॉ, ए प्लस बी इज आर वेक्टर, पहले की टेल पे दूसरे का हेड, समझ रहे हो, सॉरी पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और ऐसे करके हमने रिजल्टेंट बनाया, दैट इज द ट्राइंगल लॉ। देन व्हाट वी हैव डन, पैरेललोग्राम लॉ, ए और बी के टेल टेल जोड़ दिए, और टेल टेल जोड़ने के बाद पैरेललोग्राम बनाया, जो डायगोनल थी वो हमारा रिजल्टेंट था, और उसके बाद मैंने ये भी बताया जो दूसरी डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है ना, वो हमारा डिफरेंस का रिजल्टेंट है। डन डन, चैट बस हिलती जाए बेटा, चैट हिलती जाए एकदम से, बस जय माता दी, चक दे फटे, ये समराइज किया। फिर हमने किया पॉलीगन लॉ, मल्टीपल वेक्टर्स का कैसे रिजल्टेंट देना है, पहले से आखिरी को जोड़ दो तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, एंड देन वी डिस्कस दी, जय माता दी, हिलती जाए चैट अब तो, है ना। नेक्स्ट जो था हमारा वो क्या था हमारा, दैट इज दी बी साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी। एंड देन आफ्टर दैट हमने सब्ट्रैक्शन, बी वेक्टर को उल्टा किया, उल्टा करके हमने एनालिटिकल मेथड में उसका रिजल्टेंट निकालना सीखा, ठीक है ना। तो ये सारी समरी थी, बाकी रूट थ्री ए रूट टू ए, ए ए रूट टू ए रूट थ्री ए, डिफरेंस इस तरह से हमने सीखे थे, ठीक है ना। और फिर एंड में एडिशन ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों मुझे ऑनेस्टली बताइए कैसा लगा सेशन आपको, आई होप थोड़ा सा पेशेंस भी बढ़ा और आपने होल्ड करके उस चीज को थोड़ा सा सीखा, ठीक है। अब नाउ बच्चों आई होप दैट आपको मजा आया हो, और इसी के साथ बेटा हमारा वेक्टर्स पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन इंट्रोडक्शन सब खत्म हो गया, अब एक लेक्चर और लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपको सिखा के वेक्टर्स विल बी डन डनाडा, ठीक है ना। ओके बच्चों, और इसी के साथ बच्चों याद रखिए ये हमारा जो वेदांतु का पेड प्लेटफॉर्म है गाइज, यूट्यूब कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं बना था, यूट्यूब वॉज नेवर मेंट फॉर टीचिंग, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट वॉज ऑलवेज लाइक कि वन साइडेड शो, मतलब आना है और बंदे ने अपनी वीडियो दिखानी है, ठीक है ना। और आज भी आप मुझसे बहुत डाउट्स बीच में पूछते हो, मुझे कई बार बुरा भी लगता है कि मैं आपके डाउट्स एड्रेस नहीं कर पाता, बट बच्चों क्या करें, यूट्यूब इज मेजरली वन साइडेड, बट जो रियल क्लास होती है, ये जो वेदांतु का प्लेटफॉर्म है ना बच्चों, ये रियल प्लेटफॉर्म है क्लास जैसा, ये बनाया ही पढ़ाई के लिए गया है, यूट्यूब पढ़ाई के लिए थोड़ी बनाई, तो पढ़ाया जा रहा है। तो जो बेटा हमारा रियल प्लेटफॉर्म है, वहां पे मास्टर टीचर के साथ, अब आप सब जान ही चुके हैं, चार क्लास टीचर्स और बैठते हैं जो ड्यूरिंग दी क्लास आपके डाउट्स लेते हैं, जिसकी वजह से क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं। क्लास के बाद भी बेटा आपको 24/7 डाउट ऐप का सपोर्ट मिलता है ना, आप सब ये बात जानते हैं अच्छी तरह, करेक्ट है, डाउट ऐप का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता बताओ, क्लास के बाद भी आपको डाउट ऐप सपोर्ट मिलेगा, आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सिर्फ फोटो खींच के भेज दो, आपके डाउट सारे एड्रेस हो जाएंगे।
इसके अलावा बच्चों आपके सारे टेस्ट आपको दिए जाएंगे, टेस्ट आपके नेशनल लेवल टेस्ट होंगे, पूरे कंट्री के हर स्टेट से बच्चे, इनफैक्ट बाहर से भी बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। हमारे बैचेस में तो बच्चा बाहर से भी क्लास लगा रहा है, तो आपको रियल एक्सपोजर मिलेगा, जो बिल्कुल आपको ऑफलाइन में फील होता था ना, उसका बड़ा सुपर सेट आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी के साथ बेटा हमारा जो क्लास कंटेंट होता है उसके अंदर असाइनमेंट्स होती हैं और आपकी बुकलेट होती है तत्व, और आप समझो ये सारा बेटा डिजिटल वे में है, असाइनमेंट भी डिजिटल है, हमारा तत्व की तो हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, और वो हार्ड कॉपी तो बेटा आपको ये है कि उसके अंदर कोई क्वेश्चन का क्यूआर कोड सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करो, आपको उसका लिंक भी दिख जाएगा सोल्यूशन का और वीडियो का भी, ठीक है। सो गाइस कहने का तात्पर्य यह है, इट इज अ वेरी सुपर ऑसम प्लेटफॉर्म, दिस इज मेंट फॉर टीचिंग, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाई के साथ ही कंडक्ट किया जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब ये प्लेटफॉर्म स्पेशल है हमारा इस चीज का, ये देख सकते हो अरविंद सर की लाइव क्लास है, सर आपको म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, टीचर्स बात करते हैं, चैट करते हैं, सुपर ऑसम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये डाउट ऐप है, देखो आपने सिर्फ फोटो खींच के भेजनी है, किसी बुक की फोटो खींची भेज दी, डाउट ऐप पे टीचर साथ के साथ रिप्लाई करेंगे, तब तक कॉन्वर्सेशन करो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ, ठीक है। और मेरे भाई ये असाइनमेंट्स आप सब बच्चों यहां देख सकते हैं, ये सारी असाइनमेंट्स आपको अटेम्प्टेबल फॉर्म में मिलती हैं, और कुछ नहीं करना है, बस इनको अटेम्प्ट करना है, और मतलब कौन से क्वेश्चन आपने सही किए गलत किए वो सारी रेपोजिटरी, मतलब एक साल बाद भी अगर आपको ये जानना है कि आपने कौन से क्वेश्चन छोड़े थे वो भी आप यहां से लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टेस्ट की सारी देखो एनालिसिस आपको मिलेगी, कहाँ पे आपकी कितनी एक्यूरेसी है इंडिविजुअल लेवल पे, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल, मतलब फायदा होता है, क्लास में बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी दिखेगा आपको, लीडर बोर्ड पे मार्क्स दिखेंगे। और गाइज ये सारी बातें मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, आप देखो वेदांतु इज अ पायोनियर इन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स इन ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो रिजल्ट्स नो डाउट बहुत इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऑथेंटिक रिजल्ट सबसे पहले अगर निकले हैं तो वो वेदांतु के हैं। आप देखिए ऑल ओवर इंडिया, ये जो व्हाइट डब्बे आपको दिख रहे हैं ये ऑल ओवर इंडिया सिलेक्शंस हैं, और इसमें वेदांतु ने 37% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आप सोच के देखो जरा, मतलब ये जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो 8.25% सिलेक्शंस वेदांतु जेई एडवांस में दे रहा है, विच इज अ बिग ह्यूज नंबर। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 0.1% भी सिलेक्शन नहीं देते, जो वेदांतु आपको इतना बड़ा नंबर दे रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे कह रहे हैं यू आर ग्रेट, भाई मैं ग्रेट नहीं हूं, ग्रेट तुम लोग हो, तुम्हारे होने से हम ग्रेट दिखते हैं। और बेटा इसी के साथ जब आप हमारी प्रो सब्सक्रिप्शन पे आएंगे तो बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आप प्रो के मेंबर बन जाते हो ना, इसका मतलब यह है कि आपके सामने बफे लग गया है, तो अब आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपका जो दिल करे आप हमसे ले सकते हो। वेदांतु पे जितना भी और कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च होंगे, वो सारे कोर्सेज आप लॉन्ग टर्म के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। और इनफैक्ट एंड में क्रैश कोर्स हो गया, जब तक ये 3 साल की जर्नी होती है, ये मतलब ये पूरा एंड तक, मतलब आपकी पूरी बाजू पकड़ के आपको वेदांतु लेके जाएगा, ठीक है। तो गाइस मतलब ये है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स अ मैसिव मैसिव ऑफर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाना है, क्लिक करना है और उसमें एनरोल कर देना है। कूपन कोड आपको लगाने की अब जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे कूपन कोड आपको लगा लगाया मिलेगा, ठीक है। स्टिल एक हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूं करना कैसे है फटाफट, ताकि कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर किसी में रह ना जाए। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको जाना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आ गया YouTube पे, YouTube पे क्लिक किया, देखो विनय सर का लेक्चर चल रहा है, मैं यहां पर आ गया, यहां पे मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में जाना है, देखो गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, यहां पे क्लिक किया, जैसे ही मेरे भाई आपने क्लिक किया देखो आपको यहां पे ये पूछा जाएगा लाइट लेना है, क्लासिक लेना है, प्लस लेना है, ठीक है ना। तो आप देखो ये जो फीस है 53,000, ये 2 साल की फीस है, सोच के देखो बेटा 2 साल की फीस ऑफलाइन में, ये 1.5 लाख 1 साल की थी, प्लस रहने का, खाने पीने का, अगर ट्रेवल करने का खर्चा अलग। तो ये वेदांतु ने, सबसे बड़ा वेदांतु ये रेवोल्यूशन लेके आया है, उसने एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया है। ये सर हाँ हर्ष पूछ रहा है बुक्स 1 मंथ सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, अगर आप 1 महीने का भी प्लान लोगे इसमें ऑप्शन है। अगर आपको ये पूरा ट्राई नहीं करना, आप 1 महीने का 3,000 में लेके एक्सपीरियंस कर लो, आपको ना अच्छा लगे आप छोड़ दो, ठीक है ना। और बुक्स इसमें भी आपको मिलेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम ज्ञान को रोकेंगे नहीं पैसों के लिए, ठीक है ना। तो बुक्स मिलेंगी और ये 2 साल की बेटा फीस है, और इसके बाद मतलब आप निश्चिंत हो जाओगे आपका सारा। और ये मैं बता रहा हूँ, जब बेटा मैं मतलब आप ये मानो, जब मैं छोटा था, मतलब जब आपकी एज में था, तब मेरे माता पिता ने एंड के दिनों में क्रैश कोर्स में मुझे एनरोल किया था, और तब 30,000 रुपीज़ दिए थे, और वो भी उस सिटी के जो अच्छे ऑफलाइन प्लेयर्स थे। तो सोचो मतलब क्रैश कोर्स में 30,000,
मैं आपको पूरा प्लान दे रहा हूं 2 साल का। और सोचो बेटा, विद्या से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज वही ज्ञान जो मुझे मेरे माता पिता ने, मतलब मैंने वहां पे जो गुरुओं से लिया, उसी की बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूं और जीवन की इतनी अच्छी गाड़ी चल रही है। तो बेटा, विद्या से अच्छी इन्वेस्टमेंट वाकई नहीं हो सकती। आप जरूर इसको एनरोल करें। कोई पूछेगा यूट्यूब सफिशियंट है, इट इज सफिशियंट, बट डेफिनेटली चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड रैंक विल इंक्रीज इफ यू विल गो फॉर अ प्रो सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। क्लासिक भी ले सकते, दिस इज लाइट, ये भी अगर आप लोगे क्लासिक तो आपको एक इसमें डाउट ऐप का फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हाँ, अगर बेटा कोई पैसों का कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप इसको लो, ये प्लस मेंबर्स के लिए है। अगर आप ये लेते हो तो इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा और वो पर्सनल मेंटर आपको पूरा बताएगा शेड्यूल, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तुझे कोई दिक्कत होगी ना, तेरे पास एक नंबर होगा बेटा, तू उसको कॉल करेगा टीचर को और तेरे सामने वो खड़ा है पत्थर की तरह, ठीक है। तो ये मेरे लिए बेटा बस था। बाकी अब आप लोग बताओ कुछ अगर आपका डाउट है। यस सर, अरे थैंक यू बेटा, बस ऐसे नहीं कहते। हाँ आर्यन, आपको बुक्स मिल जाएंगी, पूरे कोर्स की मिलेंगी। हाँ पूरे कोर्स की मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार सारा डिस्पैच होगा तो सारे कोर्स की बुक्स आपको मिल जाएंगे, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। बुक देंगे यार, हम ज्ञान को नहीं रोकेंगे, हम ऐसे नहीं है पैसों के लिए ज्ञान को हम चेंज करें, ठीक है। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री क्लास भी हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, चक दे फटे बेटा, चक दे फटे, ठीक है ना, डन। चलो ठीक है, बाकी मेरी आईडी है vinay.sood@vedantu.com, तुम आ जाओ यार, इस पर कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी कोई भी टेंशन आएगी तो हम बैठे हैं, ठीक है ना, पिछले कई सालों से मैं यहीं पर हूँ और कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो वी आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, चलो ठीक है। तो ठीक है भैया, बहुत टाइम हो गया, अब आप लोग भी थोड़ा आराम करो और मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और आप लोग भी बस बढ़िया अपना डिनर करो और रिवाइज करो जो भी आज हमने सीखा है, ठीक है। चलो लव यू दोस्तों, लव ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट हो चिंता नहीं करनी, आईडी मैंने आपको दी है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पर डाल दो, कुछ भी कर लो, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ टेंशन नहीं लेनी, चलो थैंक यू गाइस, ओके लव यू गाइस।